गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर अमित राज पुरोहित। आई एम टीचिंग डायरेक्ट टैक्स टू सीए फाइनल इन मुंबई एंड वेरियस सिटीज ऑफ द कंट्री। फ्रेंड्स, मे एग्जाम्स आर वेरी नियर, सो नाउ दिस इज वेरी हाई टाइम फॉर यू पीपल। फ्रेंड्स, हम बात करें केस लॉज की। केस लॉज फॉर डायरेक्ट टैक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एज यू ऑल नो, ऑलमोस्ट 16 मार्क्स के आपका केस लॉज आते हैं। सो आपको केस लॉज के लिए सीए इंस्टीट्यूट से एक केस स्टडी का बुक मिलता है। उस केस स्टडी की बुक में से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करने वाले हैं, प्लस हम जो आपका आरटीपी है, रिविजन टेस्ट पेपर है, उसमें भी कुछ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉज है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सो सबसे पहले अपना केस लॉ है, दैट इज एम वेंकटेश्वरा राव। सबसे पहले आपका जो केस लॉ है, दैट इज एम वेंकटेश्वरा राव। फ्रेंड्स, इस केस लॉ के अंदर क्या हुआ था कि एक पार्टनरशिप फर्म है। फ्रेंड्स, मैं आपको केस लॉ के साथ मैं क्या करूंगा, एक कहानी सुनाऊंगा, स्टोरी सुनाऊंगा। उस स्टोरी के साथ में मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको उस केस लॉ का नाम भी याद हो जाए, और उसके जो फैक्ट्स है, फैक्ट्स भी याद आ जाए। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका कोई भी केस लॉ का क्वेश्चन आए उसके लिए फैक्ट्स ऑफ द केस, इसके अलावा अगर जो रेलेवेंट प्रोविजन है, एंड उसके बाद में आपका कंक्लूजन। सर, नाम लिखना जरूरी है क्या? इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपको केस का नाम याद है, एक अलग तरह का इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, एंड इट विल, वो एक अलग इंप्रेशन आपको, जो चार नंबर का केस लॉ आएगा, अगर आप सारी चीजें लिखते हैं, फैक्ट्स ऑफ द केसेस, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, और इसके अलावा जो प्रोविजंस है, रेलेवेंट प्रोविजंस है, एंड फाइनली आपका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में अगर आप केस का नाम लिखते हैं तो वो एक अलग तरह का इंपैक्ट पड़ेगा, एंड आपको 4 में से 4 मार्क्स मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी केस लॉ करने से पहले सबसे पहले आपको इशू समझना जरूरी है। सो इन केस ऑफ एंग वेंकटेश्वर राव क्या हुआ, एक पार्टनरशिप फर्म में, छोटी सी कहानी बताता हूं। उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर 4 पार्टनर है, एम वेंकट, ईश्वरा एंड राव। फ्रेंड, 4 पार्टनर है, एम वेंकट, ईश्वरा, राव। अभी जैसे मेरे एसेंट से आपको पता चल रहा होगा कि ये साउथ इंडियंस है। ये कौन है? साउथ इंडियंस है, एम वेंकट, ईश्वरा और राव। ये चारों पार्टनर्स क्या गए? तिरुपति बालाजी में वहां पे क्या चल रहा था, वहां पे जो डोनेशन मिलता है, उस डोनेशन की काउंटिंग चल रही थी। ये चारों ने जाकर के वहां पे वो डोनेशन में काउंटिंग करने लग गए। वो भी, चलो हम भी जाके सर्विस देते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, चारों ने उस डोनेशन में से कुछ पैसे क्या कर दिया, निकाल के अपनी पॉकेट में रख दिया। 2-2 हजार के नोट्स निकाल के अपनी पॉकेट में रख दिए। फ्रेंड्स, वो पैसा लेकर के बाहर आए, अभी बोले इस पैसे का करें क्या। तो चारों ने डिसाइड किया, एम वेंकट, ईश्वरा एंड राव, चारों ने डिसाइड किया कि हम सब लोग मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, और जो पैसा हमने यहां पे चोरी किया है उसको क्या करेंगे, एज एन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन उस पार्टनरशिप फर्म में हम लोग वहां पे दे देते हैं। फ्रेंड्स, जो एम है, वेंकट है, ईश्वरा और राव है, इन चारों ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं, और पार्टनरशिप फर्म में जो पैसा हम चोरी करके लेकर के आए हैं, जो 2 नंबर का इनकम है, वो क्या करेंगे, हम उसके अंदर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन वहां पे उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। फ्रेंड, इशू क्या हुआ कि इस पार्टनरशिप फर्म का जब असेसमेंट हुआ तो असेसमेंट के टाइम पे एओ ने पार्टनरशिप फर्म को पूछा कि बॉस, ये जो पार्टनरशिप फर्म है, यहाँ पे जो आपके क्रेडिट में कुछ अमाउंट दिख रहा है, क्रेडिट साइड में कुछ अमाउंट दिख रही है, बॉस ये अमाउंट क्या है। तो पार्टनरशिप फर्म की तरफ से आंसर आया कि दिस इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पार्टनर। एओ ने पार्टनरशिप फर्म को पूछा कि बॉस, ये आपके बुक्स में जो क्रेडिट साइड में कुछ एंट्रीज दिख रही है, वो बॉस इनका सोर्स क्या है।
तो पार्टनरशिप फर्म की तरफ से आंसर आया, पार्टनरशिप फर्म की तरफ से आंसर आया कि दिस इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय फोर पार्टनर्स एम वेंकट ईश्वरा और राव। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म ने यह आंसर दिया कि ये कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है। अभी पार्टनर्स को पूछा कि बॉस ये पैसा क्या है, तो बोले ये हमारा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है। पार्टनर्स को पूछा एओ ने कि बॉस ये पैसा तुम्हारे पास कहाँ आया, तो बोले है वो तो ऐसे ही हमारे पास में, हम रास्ते से जा रहे थे वहाँ पे एक थैला मिला और हम उठा के लेकर के आए। मीन्स वहाँ पे उनके पास में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। देयर इज अनएक्सप्लेन अमाउंट। ये जो अमाउंट है वो पार्टनर्स के लिए क्या है, अनएक्सप्लेन है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। EO ने क्या बोला, एक सेक्शन होता है सेक्शन 68 आपका अनएक्सप्लेन जो आपका कैश क्रेडिट है। अगर आपके बुक्स में कोई अमाउंट क्रेडिटेड है और अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो तो उसको अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट मान के आपका 30% उसके ऊपर टैक्स लगेगा। सेक्शन 68 क्या बोलता है कि अगर कोई आपका कैश क्रेडिट है, अगर कोई आपका बुक्स में कोई क्रेडिट साइड में कोई एंट्री है और वो अनएक्सप्लेन है तो आपका सेक्शन 68 इन्वोक हो जाएगा और 30% के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फ्रेंड्स टेल मी, पार्टनरशिप फर्म के हैंड में क्या ये अमाउंट अनएक्सप्लेन है क्या? नो, दिस इज एक्सप्लेन अमाउंट। दिस इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स एम वेंकट ईश्वरा राव। इनकी तरफ से आपका ये कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज अ सफिशियंट एक्सप्लेनेशन। बॉस एक्सप्लेनेशन कौन नहीं दे पा रहा है? पार्टनर्स नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में तो वहां पे सफिशियंट एक्सप्लेनेशन है कि ये कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो यहां पे आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हाईकोर्ट, कहां गए थे तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हाईकोर्ट ने बोला, यहां पे हाईकोर्ट ने बोला बॉस ये सेक्शन 68 पार्टनरशिप फर्म के केस में इन्वोक नहीं हो सकता। सेक्शन 68 पार्टनरशिप फर्म के केस में इन्वोक नहीं हो सकता बिकॉज दैट इज अ सफिशियंट एक्सप्लेनेशन दैट दैट अमाउंट इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स। अगर आपको करना है तो आप जो एम वेंकट ईश्वर राव है, अगर आपके ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं तो आप उनके हैंड में आप वहां पे इसको अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट दिखा सकते हैं, बट पार्टनरशिप फर्म के हैंड में दैट इज अ सफिशियंट एक्सप्लेनेशन। ओके, सो एम वेंकट ईश्वर राव, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या था, केस का नाम क्या है, एम वेंकट ईश्वर राव, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स टू अ पार्टनरशिप फर्म। Partnership firm is not subject to section 68 because this is explained by the partner, that is a capital contribution. So ये आपका पहला केस है एम वेंकटेश्वर राव। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम सेकेंड केस करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट केस है आपका अल्काटेल ल्यूसेंट कनाडा। फ्रेंड्स ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। अच्छा, जो मैं आपको केस क्लोज करवा रहा हूँ, ऑल
केस क्लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल केस क्लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट केस अल्काटेल ल्यूसन कैनेडा, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ. ठीक है फ्रेंड्स, आपने एक हमारी बहुत ही फेमस सिंगर है, उनका नाम तो आपने सुना होगा, अलका जी. अलका जी उन्होंने अपना नाम बदल के की जगह सी लगा दिया है. तो अपना ठीक है, जो उन्होंने अपना नाम बदल के, पहले ए एल के ए था, अभी उन्होंने क्या कर दिया, ए एल सी ए. ये जो मैं स्टोरीज आपको बता रहा हूँ, ये आपको केस के फैक्ट्स एंड केस का नाम याद रखने के लिए बता रहा हूँ. ये वास्तविक जीवन से इनका कोई संबंध नहीं है. अगर ऐसा पाया जाता है तो मात्र एक सहयोग माना जाए, ये पूरी तरह से काल्पनिक है. ओके, सो अल्काटेल ल्यूसेंट कैनेडा केस में अपनी एक सिंगर है अलका जी. अलका जी सिंगर है, ठीक है. तो एक असेसी था, असेसी इज बेसिकली रेजिडेंट असेसी. ये आपका कौन है, एक रेजिडेंट असेसी है. अभी रेजिडेंट असेसी ने क्या किया, रेजिडेंट असेसी ने एक नॉन रेजिडेंट से वहां पे आपका हार्डवेयर उसने वहां पे लिया. ठीक है, कुछ हार्डवेयर लिया. नॉन रेजिडेंट ने रेजिडेंट को हार्डवेयर सप्लाई किया. फॉर एन एग्जाम्पल मोबाइल फोन जो एक हार्डवेयर है, नॉन रेजिडेंट ने रेजिडेंट को, आपका जो असेसी था उसको वहां पे नॉन रेजिडेंट ने रेजिडेंट को दिया. नॉन रेजिडेंट ने रेजिडेंट को हार्डवेयर सप्लाई किया. अभी जो हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर थे. वो सॉफ्टवेयर आपका एम्बेडेड इनटू हार्डवेयर. ठीक है, एम्बेडेड इनटू हार्डवेयर कुछ सॉफ्टवेयर थे, और वो सॉफ्टवेयर जो आपका एम्बेडेड इनटू हार्डवेयर था, ठीक है, वो उसका कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं था. ये जो सॉफ्टवेयर है वो बिना हार्डवेयर किसी भी काम का नहीं है. वो एम्बेडेड इनटू हार्डवेयर था, प्लस वो जो सॉफ्टवेयर था उसका वहां पे कोई इंडिविजुअल वहां पे एग्जिस्टेंस नहीं था. ओके, ठीक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड, ये जो आपका सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी एम्बेडेड है इनटू हार्डवेयर, और उसका कोई अलग से वहां पे आपका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है ही नहीं है. मतलब ये सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर किसी काम का ही नहीं है. मोबाइल फोन के अंदर अगर जैसे आईफोन होता है, उसके अंदर iOS 10 जो आपका एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर रहता है, या अगर एंड्रॉयड फोन है तो जो एंड्रॉयड के बगैर हार्डवेयर किसी काम का है क्या? और बिना मोबाइल फोन एंड्रॉयड किसी काम का है क्या? नहीं. तो उसका कोई इंडिविजुअल वहां पे एग्जिस्टेंस नहीं था, और न ही वो सॉफ्टवेयर किसी और काम के था. फ्रेंड्स, इशू क्या हुआ, यहाँ पे जो हार्डवेयर इसने सप्लाई किया, तो असेसी ने जो पेमेंट किया, ईओ बोलता है कि बॉस, इस पेमेंट के अंदर जो आपका कुछ अमाउंट है वो सॉफ्टवेयर के लिए पे किया गया है, एंड इट विल बी ट्रीटेड एज रॉयल्टी इनकम अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1. फिर से एक बार समझो, असेसी आपका रेजिडेंट है, और नॉन रेजिडेंट से कुछ हार्डवेयर लिया, उसके बदले में जो पेमेंट दिया, उस हार्डवेयर के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर था जो ऑलरेडी एम्बेडेड था, और सॉफ्टवेयर का अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. No individual existence. ठीक है, उसका वहां पे अलग से कोई काम ही नहीं है. बेसिकली बिना सॉफ्टवेयर के वहां पे वो हार्डवेयर नहीं चलेगा. समझा कि नहीं समझा? और वहां पे बिना हार्डवेयर के वो सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा. यो बोलता है कि बॉस, आपने जो पेमेंट किया, उस पेमेंट के अंदर आपका सॉफ्टवेयर वाला जो पार्ट है वो आपका रॉयल्टी इनकम माना जाएगा. फ्रेंड्स, एक चीज बताओ, जब वो सॉफ्टवेयर है वो बिना हार्डवेयर किसी काम का ही नहीं है, तो क्या, या उसका कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, या उसके ऑलरेडी एम्बेडेड है, तो क्या उसका अलग से कोई यूज हो सकता है क्या? अलग से देर इज नो यूज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर. कोर्ट ने बोला, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला कि बॉस,
ये जो सॉफ्टवेयर है इसको अलग से आप यूज नहीं कर सकते तो आपका उसका रॉयल्टी इनकम नहीं माना जाएगा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। तो आपका केस है अल्काटेल ल्यूसेंट कनाडा केस में, जो अलका जी एक बार शो करने के लिए कनाडा गई तो वहां पे उनको एक ल्यूसेंट नाम का आदमी मिला, बड़ा ही डिसेंट था ल्यूसेंट। वो ल्यूसेंट से अलका जी का वहां पे, जो अलका जी ने अपना नाम बदला था, केसेसी किया था, अलका वहां पे ल्यूसेंट से मिली और ल्यूसेंट ने क्या किया, उन दोनों के बीच में वहां पे प्यार हो गया और उसके बाद में ल्यूसेंट ने क्या किया कि अलका जी आप इंडिया जा रही हो वापस, तो हम दोनों को वापस वीडियो कॉलिंग के लिए वहां पे, आपके पास में कोई अच्छा मोबाइल फोन तो होगा नहीं, 4G फोन तो होगा नहीं, तो एक काम करो मैं आपको एक 4G फोन देता हूं और उस 4G मोबाइल फोन था उसके अंदर ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर, वीडियो कॉलिंग का एक सॉफ्टवेयर एम्बेडेड था जिसका कोई अलग से आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसका अलग से कोई यूज नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। तो वो अलका जी इंडिया आ गई, अभी ल्यूसेंट जो कनाडा में बैठा है, ल्यूसेंट कहाँ पे आपका, ल्यूसेंट कनाडा के अंदर है, अलका जी आपका दिल्ली के अंदर है, तो ये दोनों फिर फोन पे बात करते थे। अभी आपको पता है जियो का नेटवर्क तो कितना खराब होता है, तो जियो का जो नेटवर्क था वीडियो कॉल लगाता था वहां से ल्यूसेंट, और ल्यूसेंट हमेशा बोलता था अलका टेल, और अपने इंडिया में एक कल्चर है कि वाइफ के नाम के आगे हस्बैंड का नाम लगाने का, सो अलका, और बार बार ल्यूसेंट क्या बोलता था, टेल अलका टेल ल्यूसेंट, और कहां का था वो, कनाडा, अलका टेल ल्यूसेंट कनाडा, और जो उसके अंदर फोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर था, वीडियो कॉलिंग का सॉफ्टवेयर था, वहां पे रॉयल्टी इनकम नहीं माना जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट केस ये आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो केस लॉ है दैट इज क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी का केस है। इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी। फ्रेंड्स, एक बॉलीवुड की अपनी क्वीन है, सब जानते होंगे, ठीक है, जो बॉलीवुड की जो क्वीन है कंगना रनौत, वो थोड़ी सी एडी है, सबको पता है कि वो थोड़ी सी एडी है, कभी भी कुछ भी बोल देती है, अभी करण जौहर के लिए भी उसने कुछ बोला था। तो जो अपनी बॉलीवुड की क्वीन है, वो क्वीन क्या है, उसने बहुत पैसा कमा लिया, तो उसने सोचा दिल्ली में जा करके वहाँ पर मैं कुछ एजुकेशन सोसाइटी, वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन देने का काम करती हूँ। तो उसने क्या किया, एक एजुकेशन सोसाइटी वहाँ पे स्टार्ट कर दिया और बच्चों को वहाँ पे एजुकेशन देने लगी। जो बॉलीवुड की क्वीन है, उसने क्या किया कि बच्चों को एजुकेशन देने के लिए एक एजुकेशनल सोसाइटी स्टार्ट किया, उसका नाम रखा क्वींस एजुकेशन सोसाइटी। उसका क्या नाम रखा, क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी। ओके, अभी जो क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी थी, वो
वो क्या करती थी, बच्चों को एजुकेशन देती थी और जो फीस कलेक्ट करती थी, फीस कलेक्ट करती थी, बराबर है। तो क्या हो गया, उसको गलती से मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया, अभी मिस्टेक तो गलती से ही होता है, तो गलती से मिस्टेक हो गया और उसको कुछ इंसिडेंटल प्रॉफिट्स हो गए, कुछ इंसिडेंटल प्रॉफिट्स हो गए। इंसिडेंटल जो प्रॉफिट्स हुए बेसिकली मतलब उनका मोटिव नहीं था, ये प्रॉफिट्स कमाना उनका मोटिव नहीं था, लेकिन फिर भी वहां पे प्रॉफिट हो गए, फिर भी वहां पे आपका इंसिडेंटल प्रॉफिट हो गए, ठीक है। अभी एक सेक्शन होता है 1023C के अंदर आपका कुछ कंडीशंस है, 1023C के अंदर आपका 3, ठीक है, कुछ कंडीशंस है 3 बेसिकली, जो सेक्शन 1023C 3AD, ठीक है, बिकॉज अपनी क्वीन थोड़ी सी एडी है, तो उस क्वीन को 3 कंडीशंस वहां पे फुलफिल करने था, 3AD जो एडी है उस एडी को 3 कंडीशन फुलफिल करना था 1023C के अंदर। अभी वो 1023C के अंदर तीन कंडीशन कौन सा होना चाहिए, आपका जो एजुकेशन सोसाइटी है दैट शुड बी सोल्ली फॉर एजुकेशन पर्पस। और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन बोलता है कि देयर शुड बी आपका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए, सो नो प्रॉफिट मोटिव। और तीसरा कंडीशन बोलता है कि जो आपका एग्रीगेट एनुअल रिसिप्ट शुड नॉट एक्सीड ₹1 crore, ठीक है। ये तीन एडी, तीनों की तीनों एडी कंडीशन से अपना जो एडी है उसके जैसी जो एडी है उसको 3 कंडीशन फुलफिल करना रहेगा 1023C के अंदर। कौन कौन सा, एजुकेशन सोसाइटी शुड बी सोली फॉर एजुकेशन पर्पस, और जो आपका एजुकेशन सोसाइटी है उसका कोई मोटिव नहीं होना चाहिए, जो इंस्टीट्यूशन है, जो ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन है उसका कोई आपका प्रॉफिट मेकिंग मोटिव नहीं होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन, एग्रीगेट एनुअल रिसिप्ट शुड नॉट एक्सीड ₹1 crore। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होता है तो जो इनकम होगा वो 1023C के अंदर क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, बराबर है, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होता है तो जो इनकम विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1023C। फ्रेंड, यहां पे जो प्रॉफिट है वो इंसिडेंटल प्रॉफिट है, उसका मोटिव नहीं था फिर भी उसको इंसिडेंटल प्रॉफिट हो गया, इन तीनों कंडीशन में से वहां पे वायलेशन नहीं किया है। जो क्वींस एजुकेशन सोसाइटी है, चाहे वो कितने भी एडी क्यों ना हो, लेकिन उसने तीनों कंडीशन में से किसी भी कंडीशन का वायलेशन नहीं किया। आपका जो सोसाइटी था उसका मोटिव प्रॉफिट नहीं था, दैट वॉज टोटली सोली फॉर एजुकेशन पर्पज। और इसका जो इसका जो एनुअल एग्रीगेट रिसीव था वो भी 1 crore से कम था। तो यहाँ पे ईओ ने क्या किया, ईओ ने बोला कि बॉस आपने इंसिडेंटल प्रॉफिट हुआ है तो जो ट्रस्ट का जो एग्जेम्पशन होगा वो वहाँ पे डिसअलाउ हो जाएगा। बॉस यहाँ पे अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है, और प्रॉफिट्स क्या थे, इंसिडेंटल प्रॉफिट थे, जानबूझ के नहीं कमाया, मोटिव नहीं था उनका, तो इंसिडेंटल प्रॉफिट की वजह से आपका एग्जेम्पशन कैंसिल नहीं होगा, एग्जेम्पशन विल बी अलाउबल। क्या नाम है केस का, क्वींस, ठीक है, कौन, अपनी कंगना रनौत, क्वीन जो है उसने अपना एजुकेशन सोसाइटी खोला, क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में उसने खोला था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, प्लीज कॉपी इट।
फ्रेंड्स नेक्स्ट केस लो है वो आपका इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंदर से, इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंदर से एक एम्प्लॉयर था शंकर, भगवान शंकर, देवों के देव महादेव, वो तो सबके एम्प्लॉयर है, महादेव, देवों के देव महादेव सबके एम्प्लॉयर है, ठीक है। शंकर वो एम्प्लॉयर था और कृष्ण भगवान जो कृष्णा थे अपने, उनको कुछ काम दे करके धरती पे भेजा गया था। कृष्णन जो था वो शंकर भगवान का एम्प्लॉयर था, शंकर भगवान का एम्प्लॉयर था कृष्णन, ठीक है। कृष्ण भगवान जी थे, उनको अपना एम्प्लॉय बना के भेजा था कुछ काम करने के लिए। तो शंकर जो एम्प्लॉयर था एंड कृष्णन एम्प्लॉय, शंकर एम्प्लॉयर कृष्णन एम्प्लॉय, ओके। तो क्या हुआ, शंकर भगवान ने कृष्णन को क्या किया, रहने के लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया। और वो जो रेंट फ्री अकोमोडेशन था क्या किया शंकर भगवान ने खुद, तो वो तो कैलाश पे रहते हैं, तो कैलाश पे खुद रहते हैं, और बॉम्बे में, भाई बॉम्बे में उनको घर देना था, किधर, आपका कृष्ण भगवान बॉम्बे में थे, तो जो कृष्णन बॉम्बे में था उसको रहने के लिए घर दिया। तो शंकर भगवान तो खुद का घर तो उनका कैलाश में, तो यहाँ पे बॉम्बे में घर देने के लिए लैंडलॉर्ड से वहाँ पे एक घर किराए पे लिया, उसको रेंट पे करते थे ₹10,000 पर मंथ का और सिक्योरिटी डिपॉजिट ₹30 लाख का भी उसको पे किया था, उसको 10,000 पर मंथ का रेंट पे करते थे, सिक्योरिटी डिपॉजिट 30 लाख का दिया था, उससे घर लेकर के रेंट, अपना रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया एम्प्लॉय को दिया। अभी एम्प्लॉय के हैंड में परक्यूजिट आपका कैलकुलेट होगा, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन के केस में, रेंट फ्री अकोमोडेशन में आपका जो रेंट होगा, रेंट का परक्यूजिट वहां पे आपका वहां पे परक्यूजिट माना जाएगा। अभी एओ बोलता है कि बॉस ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो पे किया है 30 लाख का लैंडलॉर्ड ने, इसका जो इंटरेस्ट होगा, इसका इंटरेस्ट भी परक्यूजिट माना जाएगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। फ्रेंड्स परक्यूजिट्स की जो कंप्यूटेशन है वो Rule 3 के अंदर दे रखा है, परक्यूजिट्स का जो कंप्यूटेशन है वो आपका Rule 3 के अंदर दे रखा है, और Rule 3 कहीं पे भी आपका इंटरेस्ट को, नोशनल इंक्लूड को वहां पे, ठीक है, नोशनल जो इंटरेस्ट है उसको इंक्लूड नहीं करता है, नॉट इंक्लूडेड नोशनल इंटरेस्ट, जो आपका नोशनल इंटरेस्ट है वो Rule 3 में कहीं भी आपका नहीं दे रखा है। लेकिन AO ने फिर भी इसको जबरदस्ती डाल दिया, तो कोर्ट ने बोला, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, कहाँ पे एम्प्लॉय कहाँ पे थे, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि जो नोशनल इंटरेस्ट होगा विल बी नॉट ट्रीटेड एज परक्यूजिट। ओके फ्रेंड्स, फिर से एक बार केस लॉ है आपका शंकर कृष्णन 2012 केस लॉ है, बट ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है। शंकर ने जो एम्प्लॉयर था उसने लैंडलॉर्ड से घर लिया और वो घर लेकर के एम्प्लॉय को दिया, लैंडलॉर्ड से जो घर लिया था ₹10,000 का रेंट पे करते थे, साथ में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो 30 लाख का वो भी पे किया था। परक्यूजिट्स के लिए एओ ने क्या किया, जो रेंट प्लस नोशनल इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट 12% के हिसाब से वहां पे परक्यूजिट ले लिया। कोर्ट ने बोला कि जो Rule 3 है, Rule 3 के अंदर आपका जो परक्यूजिट्स का जो कंप्यूटेशन है उसके अंदर नोशनल इंटरेस्ट कहीं पे भी नहीं दे रखा है, सो जो नोशनल इंटरेस्ट है वो परक्यूजिट नहीं माना जाएगा। प्लीज कॉपी।
नेक्स्ट केस लॉ है फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, चेन्नई प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ। अच्छा आपको पता होगा एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, चेन्नई एक्सप्रेस, आपको मालूम होगा शाहरुख खान की मूवी आई थी चेन्नई एक्सप्रेस। अभी शाहरुख खान क्या है, बीच में कभी क्या बयान देता रहता है, कभी क्या बयान देता है। तो जो मोदी भक्त है, मोदी भक्त हर बार किसी को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, तो पाकिस्तान तो भेज नहीं पाए लेकिन शाहरुख खान को चेन्नई भेज दिया। जो शाहरुख खान है अपना SRK है, उनको चेन्नई भेज दिया। अभी शाहरुख खान तो शाहरुख खान है, बिजनेस माइंडेड आदमी है, उसने क्या किया वहां पे जाके, वो साउथ की फिल्मों में साउथ की मूवीज में उसको काम मिलेगा नहीं। उसने क्या किया, उसके पास में जितना पैसा था, उससे एक कंपनी स्टार्ट किया, चेन्नई प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। चेन्नई प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट किया। वो कंपनी क्या करती थी, चेन्नई के अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करती थी, शाहरुख खान ने एक कंपनी स्टार्ट किया, वो कंपनी क्या करती थी, चेन्नई के अंदर प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करती थी। मतलब कंपनी क्या करती थी, प्रॉपर्टीज को अक्वायर करती थी, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, और उसको बाद में लेट आउट कर देती, रेंट पे दे देती, और वही उसकी इनकम थी। शाहरुख खान की इनकम क्या थी, वो जो कंपनी स्टार्ट किया चेन्नई में, उसने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो जो चेन्नई में प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट होता था, एक्विजिशन होता था प्रॉपर्टीज का, उसको लेट आउट पे दे देते, और जो इनकम होती थी रेंट पे, वो आपका वहां पे इनकम उसके लिए हो जाता था। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है या फिर आपका PGBP है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या फिर आपका PGBP है। बॉस असेसी ने उस इनकम को बिजनेस इनकम दिखाया था। AO बोलता है नहीं बॉस, ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि वो जो MOA ऑफ द कंपनी है, जो आपका MOA AOA होता है, MOA ऑफ द कंपनी है, उसके अंदर जो मेन ऑब्जेक्ट है कंपनी का, वो है एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टीज। जो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी है, दैट इज एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करने का, प्रॉपर्टीज अक्वायर करने का, एंड फिर उसको लेट आउट करने का, रेंट पे देने का, ये उसका मेन ऑब्जेक्ट है। कोर्ट ने बोला कि वो जब कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट ही एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टीज है, तो फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे हो सकता है। यहां पे असेसी ने करेक्टली उसको PGBP में दिखा रखा है, जो इनकम है उसको करेक्टली PGBP में दिखा रखा है। सो इनकम विल बी ट्रीटेड एज PGBP इनकम, ना कि वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम। कॉपी नेक्स्ट केस है फ्रेंड्स, NDR वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स एक साउथ इंडिया का बहुत ही फेमस एक्टर है, आपने नाम सुना होगा, जूनियर NTR, मतलब लाइक एकदम एक्शन स्टार है वो। उसके जो दादा थे वो सीनियर NTR थे, वो अभी वो जूनियर NTR है, ठीक है। बहुत ही मतलब ऐसा एक्शन जो स्टार्स की बात करें तो उसके अंदर NTR का भी नाम आता है। अभी वो NTR था, थोड़ा दादा टाइप का आदमी था, तो अपने उसको NDR बोलेंगे, क्या बोलेंगे, NDR, NTR नहीं NDR, ठीक है।
ओके सो एनडीआर जो था साउथ इंडियन एक्टर था उसने क्या किया, अभी बहुत पैसा आया था तो उसने कुछ गोडाउन्स बना दिए, उसने कुछ मद्रास में कुछ वहां पे गोडाउन्स बना दिए, मद्रास मतलब चेन्नई, अभी आपका पहले उसको मद्रास बोलते थे अभी चेन्नई बोलते, साउथ इंडियन एक्टर था मद्रास, ओके तो जो आपका साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, जो एक्टर है आपका एनडीआर, उसने क्या किया मद्रास में कुछ गोडाउन्स बना दिए, अभी वो गोडाउन्स वहां पे क्या करता है कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, लोगों को बहुत सारे गोडाउन से सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप अपना गुड्स यहाँ पे रखो और हमको रेंट पे कर देना, क्या करना आप अपना गुड्स यहाँ पे स्टोर करो, गुड्स का स्टोरेज यहाँ पे करो और उसके बदले में हमको रेंट पे कर देना। एनडीआर ने बोला कि चलो अपने को काम करता नहीं, अपना एक्टिंग चलता रहेगा उधर, एनडीआर ने बोला कि अपना एक्टिंग चलता रहेगा, कुछ गोडाउन वगैरह बना के रख दो, लोग गुड्स के अंदर अपना गुड्स वगैरह स्टोरेज करेंगे और उससे अपने को इनकम होगा। अभी वो जो गोडाउन है उसके साथ में कुछ ऑक्सिलरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, पेस्ट कंट्रोल हो गया, रोडेंट कंट्रोल हो गया, या फ्यूमिगेशन सर्विसेज हो गया, फ्यूमिगेशन सर्विसेज मतलब आपका जो मॉइस्चर वगैरह होता है या टेम्परेचर की वजह से जो गुड्स खराब वगैरह होता है तो उसके लिए फ्यूमिगेशन सर्विसेज वगैरह वहां पे, या सिक्योरिटी ऑफ गुड्स वगैरह कुछ ऑक्सिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करता था, पेस्ट कंट्रोल, रोडेंट कंट्रोल, फ्यूमिगेशन सर्विसेज है, या सिक्योरिटी जो है गुड्स की सिक्योरिटी है उसके लिए कुछ दूसरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता था। यो बोलता है कि बॉस ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा, बिकॉज आपने हाउस प्रॉपर्टी क्या किया है, आपने गोडाउन रेंट पे दिया है, आपने गोडाउन किस पे दिया है, रेंट पे दिया है बॉस, ये रेंट पे गोडाउन दिया है लेकिन इसके साथ में कुछ ऑक्सिलरी सर्विसेज भी है। तो कोर्ट ने वहां पे ऑब्जर्व किया कि सिर्फ रेंट पे देना इसकी इनकम नहीं है, रेंट पे देना दैट इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव, इसके साथ में कुछ और सर्विसेज भी है, पेस्ट कंट्रोल, रोडेंट कंट्रोल, फ्यूमिगेशन सर्विसेज, या सिक्योरिटी ऑफ गुड्स वगैरह जो सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज वगैरह देता है, तो ये पूरा का पूरा पैकेज दे रहा है एंड ये इसका पूरा बिजनेस है, ये वेयर हाउसेज वगैरह रेंट पे देना, ऐसी सर्विसेज, बिकॉज इनके भी अलग से चार्ज करेगा वो, इनके भी अलग से चार्ज करेगा, तो ये पूरा पैकेज है, इस पैकेज के बदले में एक अमाउंट चार्ज करता है, तो ये यहाँ पे बिजनेस माना जाएगा। तो वहां पे कोर्ट ने बोला दैट इनकम विल बी फ्रॉम पीजीवीपी इनकम, ये कौन सा एडमिन इनकम होगा आपका, पीजीवीपी इनकम होगा, ओके ठीक है, जस्ट कॉपी। फ्रेंड्स नेक्स्ट केस है तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। फ्रेंड्स हर स्टेट का एक टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होता है, जैसे आपका गुजरात का भी है गुजरात स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान का भी है राजस्थान स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, महाराष्ट्र का भी है महाराष्ट्र स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो उसी तरह से तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो लिमिटेड है, और वैसे भी अभी तमिलनाडु तो पूरा का पूरा आपका टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, जब से जयललिता की डेथ हुई है, कभी वहाँ पे पलानी स्वामी आता है, कभी वहाँ पे पनीर सेल्वम आता है जो पनीर बना के खिलाता है, रजनीकांत तो एक अलग ही मतलब वहाँ पे अलग तरह का मतलब लाइक एक अलग ही लाइक लोगों को अट्रैक्शन है वहाँ पे रजनीकांत का, तो और रिसेंटली अभी कल की तारीख में फिर से हुआ कि जो शशिकला थी जो जेल में चली गई उसको फिर से पार्टी से बाहर निकाल दिया, तो पूरा का पूरा एकदम वहाँ पे बढ़िया एकदम टूरिज्म स्पॉट बन चुका है। तो लोग तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने क्या किया
कि उनके कुछ होटल्स थे, उनके कुछ होटल्स थे, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे कुछ 4-5 होटल्स थे, तो उनके कुछ होटल्स थे वो लॉस में चल रहे थे, कुछ प्रॉफिट में चल रहे थे। तो अपने केस ऑफ फॉर एग्जांपल ये जो 4 होटल्स है ये तो प्रॉफिट में चल रहे थे, ये जो 4 होटल्स है ये तो प्रॉफिट में चल रहे थे, और जो एक होटल था वो लॉस में चल रहा था। ये लॉस में चल रहा था होटल, तो क्या किया तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट ने, मुझे एक दिन कॉरपोरेशन ने मुझे बुलाया एक दिन कि अमित जी आप आइए एक बार, और आप तो किसी बिजनेस में हाथ डालते हो तो वो बिजनेस आपका सोना बन जाता है, तो हमारा ये जो होटल है वो नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा क्या किया जाए, बोलिए। बोले आप इस होटल को रन कीजिए, हम आपको इसको लीज पे दे देते हैं, आप इस होटल को रन कीजिए और आप हमको क्या करना, फ्रेंचाइजी फी देना। आपको हम लीज पे देते हैं होटल और बदले में आप हमको क्या पे करना, फ्रेंचाइजी फी पे करना। और ये जो फ्रेंचाइजी फी होगा, जो लीज पे दिया है उसके बदले में जो फ्रेंचाइजी फी होगा वो हमारे लिए इनकम होगा। मैंने कहा आप ये प्रॉफिट वाले होटल, बोले नहीं नहीं प्रॉफिट में चल रहा है वो तो हम चला लेंगे, हम तो सिर्फ आपको वो वाला होटल दे रहे हैं जो लॉस में चल रहा है, जो होटल लॉस में चल रहा है सिर्फ वही होटल दे रहे हैं, प्रॉफिट वाला हम मैनेज कर लेंगे। मैंने ओके कोई बात नहीं, ठीक है, अपने को तो बिजनेस करने से मतलब है। मैंने क्या किया, तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक होटल था जो लॉस में चल रहा था, उसको मैंने लीज पे लिया और उसको मैं रन करने लगा। अभी उनका एक ऑफिसर एक दिन मेरे पास आया, मैंने बोला सर मैंने कुछ सोचा है। बोले क्या सोचा है बताइए, आप भी कभी कभार कुछ सोच लेते तो अजरा हमें भी तो बताइए। मैंने कहा सर एक साइन बोर्ड लगवा देता हूँ, बड़ा सा साइन बोर्ड ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे होटल है। बोले वेरी गुड आइडिया, अच्छा है। और मैं सोच रहा हूँ उस साइन बोर्ड के ऊपर बड़ा बड़ा लिखवा देता हूँ कि वेरियस वैल्यूज, लाइक जो मेरा कंपनी है वेरियस वैल्यूज, ठीक है, इनोवेटिव लाइक प्रॉपर्टीज, इनोवेटिव प्रॉपर्टीज, उसके नाम से मैं एक इस प्रॉपर्टी के ऊपर साइन बोर्ड लगा देता हूँ, वीवीआईपी होटल करके एक बड़ा सा नाम लिखवा देता हूँ। वो बोलता है साइन बोर्ड लगवाओ, लेकिन जो बड़ा बड़ा नाम लिखवाना है वो हमारा लिखवाओ, जो बड़ा बड़ा नाम लिखवाना है वो आप हमारा लिखवाओ, तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो बड़ा बड़ा नाम लिखवाना है वो हमारा लिखवाओ, तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, और आपका नाम छोटा सा वहां पे आप साइड में लिख दो वीवीआईपी। मैंने कहा सर ठीक है, अगर आप ऐसा बोलते अपने को तो भाई होटल इनकम से मतलब है ना, क्या मतलब है। तो आपका यहाँ पे बड़ा बड़ा नाम मैंने उनका लिख दिया और छोटा नाम मैंने लिख दिया। अभी हम अंदर गए तो बोलते हैं रिसेप्शन एरिया है ना, रिसेप्शन एरिया में आपको देखो हमारा अम्मा का सपना था, हमारा जो अम्मा थी उनका सपना था, अम्मा का सपना ये था कि यहाँ पे जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। आपने रिसेप्शन एरिया में इतनी खूबसूरत लड़की बिठा रखी है, नहीं, ऐसी खूबसूरत लड़की यहाँ पे सब लुंगी वाले लोग आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी खूबसूरत लड़की आपको नहीं बिठानी है, आपको वहाँ पे एक अम्मा जैसी शशिकला वहाँ पे ला करके बिठानी है। मैंने ओके ठीक है, वहाँ पे शशिकला ला के बिठा देंगे। फिर थोड़ा सा अंदर गए तो डाइनिंग एरिया था, डाइनिंग एरिया के अंदर गए तो मैंने कहा सर ये देखो सर यहाँ पे वड़ा पाव 200 रुपये, ठीक है, पालक पनीर मैंने कहा 500 रुपये, ठीक है, ओके, दाल तड़का है 700 रुपये का दाल तड़का है। वो बोलता नहीं, हमारी अम्मा का सपना था 2 रुपये में इडली मिलेगा, 1 रुपये में डोसा मिलेगा, ठीक है, पानी मुफ्त में पिलाया जाएगा, मेन्यू होना चाहिए, वो जो डाइनिंग एरिया के अंदर आपका जो मेन्यू होना चाहिए वो हमारे हिसाब से होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, वो भी ठीक है। बाहर में गए, मैंने सर एक से एक मैंने कुछ स्कॉटलैंड से विजय माल्या से पर्सनली कॉन्टैक्ट करके बात करके मैंने कुछ स्कॉच वगैरह मंगाया है, तो वो अपना देखिए सर बार के अंदर पूरा का पूरा महंगी महंगी स्कॉच वगैरह। बोला नहीं नहीं नहीं, वो नारंगी संतरा वगैरह जो होता है ना वो ला के इधर रखो, सब यहाँ पे हमारे लोग, यहाँ पे जो पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता है उनका पास इतना पैसा नहीं है कि उसकी इतना विजय माल्या को इतना पेमेंट कर पाएंगे, वो वैसे ही पैसा लेके भाग गया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वो नारंगी संतरा वगैरह वो ला करके रखो। मैंने कहा ओके ठीक है, वो भी कर दिया। फिर रूम्स वगैरह में जाते हैं मैंने कहा सर ये देखो यहाँ पे बेड के ऊपर, ये जो आप बेड देखोगे तो एकदम बढ़िया जो डेलप का आपका बेड लगा रखा है। बोला नहीं 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 नहीं, वो हाथ से गुथी हुई जो आती है ना, वो जो हाथ से गुथा हुआ बिस्तर होता है गाँव में, जो औरतें बिस्तर बनाती है, वो बिस्तर लगाने का और ओढ़ने के लिए सोलापुरी वहाँ पे शॉल देने का। मैंने कहा ठीक है सर, और कुछ? बोले गार्डन एरिया है, आपने ऑस्ट्रेलियन घास क्यों लगवा रखी है गार्डन एरिया के अंदर, राजस्थान से सूखी घास ला के दो, हमको एकदम रियल फीलिंग, राजस्थान वाला रियल फीलिंग आना चाहिए। मैंने ओके सर ठीक है। बॉस तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन क्या कर रहा है, तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सारी की सारी कंडीशंस अपने हिसाब से वहां पे रख रहा है, सारी की सारी कंडीशंस अपने हिसाब से रख रहा है, मतलब ये कुछ नहीं कर रहा, मेरे कंधे पे बंदूक रख के गोली मार रहा है,
मतलब ये लीज पे नहीं दे रहा है, ये बिजनेस कर रहा है। कोर्ट ने भी यही सारी चीज़ ऑब्जर्व की, कोर्ट ने भी सारी यही सारी चीज़ ऑब्जर्व की, बहुत साइन बोर्ड, आपका डाइनिंग एरिया, बार, रिसेप्शन, गार्डन एरिया, ठीक है, जो रूम सर्विसेज वगैरह है वो सारी के सारी किसके हिसाब से है? तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हिसाब से। किसके हिसाब से? तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के हिसाब से। दूसरा, कोर्ट ने एक और चीज ऑब्जर्व किया कि बॉस इसकी जो होटल्स थी जो प्रॉफिट में चल रही थी उनको तो लीज पे नहीं दिया, वो तो भी बिजनेस कंटिन्यू है, वो बिजनेस कंटिन्यू है, और जो लॉस में चल रहा था उसको इसने लीज पे दे दिया। मतलब यहां पे लीजिंग का कोई फंडा है ही नहीं है, वो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो इनकम कौन से एंड में टैक्सेबल होगा आपका? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। कोर्ट ने बोला, कोर्ट ने बोला कहां पे? तमिलनाडु, तमिलनाडु का आपका कैपिटल है चेन्नई, जिसको पहले मद्रास बोलते थे। मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। सो तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो फ्रेंचाइजी फी मिला है, जो फ्रेंचाइजी फी मिला है, वो फ्रेंचाइजी फी आपका पीजीपी में टैक्सेबल होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट केस है हेंकल स्पाइस इंडिया लिमिटेड। हेंकल फ्रेंड्स, मेरे एक है अंकल जिसका जिनका इंडिया में स्पाइस का बिजनेस है। मेरे एक है अंकल, ठीक है, स्पाइक यहाँ पे स्पाइस पढ़ेंगे हम। मेरे एक है अंकल जिनका इंडिया में स्पाइस का बिजनेस है, इंडिया में स्पाइस का बिजनेस है, तो हेंकल स्पाइस इंडिया लिमिटेड। तो मेरे जो अंकल है उन्होंने क्या किया, 1992 के अंदर वो एक आईपीओ लेकर के आए। फर्स्ट जन 1992 को एक आईपीओ लेकर के आए, असेसमेंट 92-93 के अंदर 50 करोड़ 50 सीआर का आईपीओ आया, 50 सीआर का उन्होंने आईपीओ वो लेकर के आए। ओके, लेकिन आपका ओवर सब्सक्राइब हो गया, ओवर सब्सक्राइब होकर के पैसा कितना आया, 100 करोड़ का। आईपीओ कितने का था आपका, 50 सीआर का 92-93 असेसमेंट ईयर के अंदर, और आपका ओवर सब्सक्राइब होकर के पैसा कितना है आपका, 100 सीआर का। अभी आपको पता होगा कि जब तक शेयर्स अलॉटमेंट नहीं होता वो पैसे को आपको अलग से रखना पड़ता है। तो जो मेरे एक है अंकल जो स्पाइस का बिजनेस करते हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने क्या किया, वो 100 सीआर का एफडीआर करवा दिया फर्स्ट जन 1992 को उन्होंने एफडीआर करवाया एट द रेट 10%। और जो शेयर्स का अलॉटमेंट हो रहा था वो 30 जून 1992 को होना था, तो उन्होंने क्या कर दिया, एफडीआर करवा दिया एट द रेट 10% फर्स्ट जन 1992। फ्रेंड्स, इशू क्या हुआ होगा, इशू हुआ कि एओ ने ऑन 31 मार्च 1992, जो ईयर आपका खत्म हुआ 31 मार्च 1992, असेसमेंट ईयर 92-93, प्रीवियस ईयर 91-92, उस 31 मार्च 1992 ईयर एंड में एओ ने क्या किया, जो इंटरेस्ट आपका जो 100 सीआर का जो एफडी था उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट था, 3 महीने के लिए 2.5 सीआर वो इंटरेस्ट इनकम ले लिया। ईओ ने क्या किया कि बॉस आपको इंटरेस्ट इनकम हुआ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसने टैक्सेबल कर दिया 2.5 सीआर, वहां पे 3 महीने का इंटरेस्ट वहां पे लेकर के उसको टैक्सेबल कर दिया। फ्रेंड्स, ईओ ने सही किया या गलत किया, फ्रेंड्स बात को समझो, जब तक अलॉटमेंट नहीं हो जाता,
ये आपका जो 50 CR जो है, 50 CR तो वैसे भी आपका बिलोंग किसको करता है, ये 100 CR में से 50 CR SSC को बिलोंग करता है, बाकी 50 CR किसको बिलोंग करता है, शेयर होल्डर को। तो ये तो पैसा वापस देना पड़ेगा ना। तो जब अलॉटमेंट होगा तो आपका 50 CR विद इंटरेस्ट वापस देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट वहां पे। तो फ्रेंड्स यहां पे आपका जो AO ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो इनकम लिया 2.5 CR फॉर द असेसमेंट ईयर 90 to 93, नो बॉस, अगर जो आपका इनकम होगा, इंटरेस्ट इनकम होगा दैट विल बी इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट। इंटरेस्ट इनकम कब होगा आपका, ईयर ऑफ अलॉटमेंट, जिस ईयर में आपका अलॉटमेंट होगा उस साल में आपका इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, उस ईयर में आपका इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। सो डेट ऑफ अलॉटमेंट कब आपका, 30th June 1992, और आपका 1st January 1992 IPO का, तो दोनों अलग अलग ईयर के अंदर आता है, दैट इज असेसमेंट ईयर 92-93, दैट इज असेसमेंट ईयर 93-94। तो 93-94 में आपका जो इंटरेस्ट इनकम होना चाहिए दैट शुड बी जो अमाउंट का एफडी करवाया है माइनस जितना रिटर्न करने का है 50 CR उसके ऊपर इंटरेस्ट, बराबर है। 50 CR का जो रिटर्न करने का एक्स्ट्रा पैसा आया जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो उसका इंटरेस्ट आपका लेस हो जाएगा। सो अमाउंट टैक्सेबल विल बी 2.5 crores only under the head income from other sources, but it will be taxable in the year of allotment. यहाँ पे आपका इस year में ये taxable नहीं होगा, जो EO ने वहाँ पे आपका जिस year में IPO आया है 92-93 में वहाँ पे taxable किया है, ये आपका taxable नहीं होगा, it will be taxable in the year of allotment only. Copy. फ्रेंड्स नेक्स्ट केस है श्याम बर्लप कंपनी लिमिटेड, कोलकाता हाई कोर्ट का ये केस है।
कोलकाता में फ्रेंड्स एक श्याम बाजार है, श्याम बाजार है वहाँ पे, और वहाँ पे बल्ब वगैरह, जो बल्ब होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब, बल्ब वो बहुत फेमस है श्याम बाजार के अंदर, बल्ब बहुत फेमस है, श्याम बर्लप बल्ब की जगह कुछ लोग बोलते हैं ना बर्लप, क्या है ये क्या लगा हुआ, बोले बर्लप लगा हुआ, बर्लप लगा हुआ है। तो श्याम जो श्याम बाजार है वहाँ पे बल्ब बहुत फेमस है, श्याम बर्लप कंपनी लिमिटेड केस लॉ है। अभी जो असेसी था, असेसी कंपनी था, असेसी कंपनी क्या करती थी, असेसी कंपनी का बेसिकली बिजनेस था हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट करने का। असेसी कंपनी का जो बिजनेस था लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टी का बिजनेस था, और उसको रेंट से इनकम आता था, और वो जो लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी था वो उसको एओएम जो एमओए होता उसके अंदर भी परमिट था, जो एमओए था एमओए के अंदर वहां पे एमओए के अंदर क्लॉज था कि जो आपका असेसी बिजनेस करेगा लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वो बिजनेस करेगा। और दूसरा चीज जो असेसी का जो मैक्सिमम इनकम होता था, मैक्सिमम इनकम वो आपका लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी से होता था, मैक्सिमम जो इनकम होता था वो लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, असेसी का बिजनेस था लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एमओए ने उसको परमिशन दे रखा था, और दूसरा जो मैक्सिमम मेजर पार्ट ऑफ इनकम था वो लेटिंग ऑफ आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी था। अभी असेसी क्या, असेसी का एक टेनेंट था थोड़ा दादा टाइप का, गुंडा टाइप का आदमी था, उसको घर किराए पे दे रखा था, और वो घर खाली नहीं कर रहा था, वो टेनेंट घर खाली नहीं कर रहा था, ठीक है। तो श्याम तो बेचारे, श्याम तो भोले होते हैं, श्याम बोले तो उसको जाके बोलते किराया दे दो, तो डरा के भगा देता था, ऐसा करता था। अभी श्याम क्या करे, मतलब कुछ नहीं बोलते थे बेचारे, ऐसे मतलब थे, तो कभी कभार बल्ब चेंज करने भी बुला लेता था कि नहीं श्याम एक काम करो तुम मेरे यहाँ पे बल्ब चेंज करने के लिए आओ, बल्ब नहीं, वो बोला उससे, दादा आदमी था ज्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, तो बल्ब नहीं बोलता था, बर्लप बोलता था, बर्लप। तो शाम को बुलाता था, आओ और बर्लप चेंज करो मेरा अपना, बराबर है, ठीक है। तो वो ऐसे परेशान करता था। अभी एक दिन मैं गया, मैंने एसएससी को बोला कि बॉस ये जो तुम्हारा घर है मेरे को बहुत पसंद आया है, ये घर बहुत पसंद आया है, अभी इसको रेंट पे दे रखा। बोला हाँ, एक थोड़ा गुंडा टाइप का आदमी है, उसको रेंट पे दे रखा, कितना रेंट देता है, पर मर्जी होती तो दे देता है 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज रेंट है, कभी मर्जी हुआ तो दे दिया, कभी नहीं हुआ तो बल्ब चेंज करवा के चला जाता है, चला आता हूँ मैं वहाँ पे बल्ब चेंज करने के बाद। तो मैंने श्याम जी को बोला कि आज के बाद मैं आपको बल्ब चेंज करने का जरूरत नहीं रहेगा, मैं आपको 50,000 पर मंथ रेंट दूंगा। कितना दूंगा, 50,000। ये जो टेनेंट था इसको 5,000 का रेंट देता, मैंने बोला मैं 50,000 का आपको रेंट दूंगा। तो श्याम जी खुश तो हो गए, लेकिन श्याम जी ने बोला कि ये खाली नहीं करेगा, गुंडा टाइप का आदमी है, दादा टाइप का आदमी है, लग ही रहा है चेहरे से मूछा मूछा बड़ी बड़ी एकदम बॉडी बॉडी बना के, तो ये खाली नहीं करेगा। मैंने बोला श्याम जी काम करो, आपको एक बढ़िया आइडिया देता हूँ, ये आदमी ना पैसे का लालची आदमी है, इसको बोलो मैं तेरे को 50,000 रुपीज दे दूंगा, तू मेरा घर खाली करके चला जा। श्याम जी ने जाके बोला मैं तेरे को 50,000 रुपीज ये देता हूँ कंपनसेशन देता हूँ, मैं तेरे को घर खाली करने का कंपनसेशन देता हूँ 50,000 रुपीज का, तू मेरा घर आज का आज खाली कर दे। तो श्याम जी ने 50,000 रुपीज कंपनसेशन दिया, जो प्रमाइसिस था उसको वैकेट करने के लिए। क्यों वैकेट करना था, बिकॉज मैं हायर रेंट देने वाला था उनको, इसलिए उन्होंने उसको 50,000 का वहां पे कंपनसेशन दिया। टेनेंट ने भी सोचा चलो 50,000 आ रहा है, 10 महीना किराया कहीं और जाके दादागिरी करेंगे, एक साथ अपना इनकम तो हो गया वहां पे, इसने घर खाली कर दिया। अभी श्याम जी ने क्या किया, जो कंपनी थी श्याम बल्लब कंपनी लिमिटेड ने क्या किया, जो 50,000 का जो कंपनसेशन दिया उसको डिडक्शन ले लिया एज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एओ बोलता है नो बॉस, ये आपका जो कंपनसेशन पे किया है ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये क्या आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। तो कोलकाता हाई कोर्ट ने वहां पे ऑब्जर्व किया कि बहुत जो कंपनी का तीन चीजें ऑब्जर्व किया, कंपनी का जो एमओए है, एमओए आपका परमिट करता है बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, पहला ऑब्जर्वेंस कोलकाता हाई कोर्ट का कि जो एमओए है वो परमिट करता है बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था कि मोर देन 85% मेजर पार्ट ऑफ इनकम इज फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, रेंट इनकम है, मोर देन 85% जो इनकम है कंपनी का वो लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी से रेंट इनकम है। और तीसरा चीज
तीसरा चीज कंपनसेशन इज पेड टू अर्न हायर रेंट इनकम। यहाँ पे जो कंपनसेशन किसके लिए पे किया है, यहाँ पे हायर रेंट 50,000 का रेंट दे रहा, 5,000 की जगह 50,000 का रेंट मिलेगा उसको, तो हायर रेंट इनकम, हायर इनकम अर्न करने के लिए खर्चा किया गया है। कोर्ट ने बोला बॉस ये तीनों बातें वहां पे हमने ऑब्जर्व किया है और इनके बेसिस पे जो कंपनसेशन पे किया है वो एज एन रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ होगा और रेवेन्यू इन नेचर होगा। नेक्स्ट केस लो है तापरिया टूल्स लिमिटेड, तापरिया टूल्स लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट का केस लो है, ठीक है। तो तापरिया टूल्स लिमिटेड बेसिकली क्या था कि ये तापरिया नहीं था, टपोरी था, टपोरी तो इसको बुलाते थे, ये कुछ भी उल्टा सीधा काम होता था उसको बोलते टपोरी आ, टपोरी आ। अब टपोरी आ लोगों के हाथ में कुछ रहते थे टूल्स वगैरह, रॉड वगैरह, ठीक है, रॉड होता है या फिर वो स्क्रू ड्राइवर वगैरह, ठीक है, वो टूल्स वगैरह सब रहते हैं, किसी को मारने का पीटने का रहता है, तो वो उनका लिमिटेड कंपनी था, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे टपोरी टाइप के लोग थे, तो जब कभी भी जरूरत पड़ता था उनको ऐसे बुलाते थे टपोरी आ टूल्स लेकर के आ, तो टपोरी लोग टूल्स लेकर के आते थे, लिमिटेड कंपनी उनका पूरा का पूरा, सब कंपनी लोग जितने लोग आते थे तो टपोरी, ठीक है, टपोरी टूल्स क्या था, तापरिया टूल्स लिमिटेड, ऐसे याद रखने का। ओके, अभी जो टपोरी लोग थे, जो तापरिया टूल्स लिमिटेड था, असेसी था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिबेंचर इशू किया और वो डिबेंचर 5 years के लिए इशू किया था। अभी इंटरेस्ट का 2 ऑप्शन रखा कि बॉस या तो आप 18% पर एनएम के हिसाब से इंटरेस्ट ले लो, या तो आप 18% पर एनएम के हिसाब से इंटरेस्ट ले लो, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि भाई 18% पर एनएम नहीं लेने का है, हर साल कौन टुकड़े टुकड़े में इंटरेस्ट लेने के लेगा, तो तुम्हारे लिए दूसरा ऑप्शन है ₹55 का अपफ्रंट इंटरेस्ट ले लो, या तो ₹18% का आप पर एनम इंटरेस्ट ले लो, या फिर ₹55 का अपफ्रंट इंटरेस्ट, अपफ्रंट इंटरेस्ट मतलब अभी ले लो, अभी आज डिबेंचर इशू करें अभी ले लो, बात कहानी खत्म करो, आगे के बाद में कोई इंटरेस्ट मत मांगना। तो दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन 18% पर एनम इंटरेस्ट ले लो, या फिर आप अपफ्रंट इंटरेस्ट ₹55 पर डिबेंचर का आप अपफ्रंट इंटरेस्ट ले लो, बराबर है। अभी 18% पर एनएम इंटरेस्ट तो फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं है, वो रेवेन्यू में चला जाएगा, लेकिन एओ बोलता है कि बॉस ये जो आप ₹55 का अपफ्रंट इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ₹55 का जो अपफ्रंट इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ये आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एंड दैट इज नॉट अलाउबल, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, दैट इज नॉट अलाउबल। मैटर गया आपका सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें ऑब्जर्व की, एक तो सेक्शन 36(1)(3) के अंदर इंटरेस्ट आपका अलाउबल होता है, अगर वो आपने लोन लिया है, अगर वो इंटरेस्ट आप जो इंटरेस्ट ऑन लोन है दैट इज फॉर बिजनेस, जो लोन लिया है वो बिजनेस के लिए लिया है, लोन अगर आपने लिया बिजनेस के लिए लिया है, बोरोइंग है वो बिजनेस के लिए, तो उसका इंटरेस्ट आपको अलाउ होगा, उसका इंटरेस्ट अलाउ होगा सेक्शन 36(1)(3) ऐसा बोलता है कि इफ बोरोइंग इज फॉर बिजनेस दैट इंटरेस्ट वहां पर डिडक्शन मिलेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वहां पर माना जाएगा। दूसरा कोर्ट ने एक और चीज बोला, कोर्ट ने बोला बॉस इनकम टैक्स में कहीं भी लिखा हुआ है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कहीं भी लिख रखा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन इनकम टैक्स एक्ट 1961, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो ये तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दूसरा, यहां पे जो डिबेंचर्स इशू किया गया है किस लिए, बिजनेस के लिए किया गया है, डिबेंचर्स बिजनेस के लिए पैसा चाहिए उसके लिए इशू किया गया है वहां पे, तो जो इंटरेस्ट आपका ₹55 अपफ्रंट इंटरेस्ट होगा, वो आपका इन द ईयर इन विच इट इज पेड, जिस साल एक्सपेंडिचर हुआ है, उस ईयर में वहां पे एज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा। ओके, सो आप ये दोनों कॉपी कर लीजिए, इसके बाद में हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट केस है धर्मपुर शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, धर्म जी को तो सभी जानते होंगे, ही मैन धर्म जी, बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र। अभी धर्म जी क्या थे, धर्म जी रिटायर्ड हो गए, अभी उनके पास बॉलीवुड में कुछ काम तो है नहीं, और वो ज़्यादा थोड़ा लेते वगैरह है तो उनको शुगर का बीमारी हो गया। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, अमित जी का गांव चलते हैं, इलाहाबाद चलते हैं, इलाहाबाद चलते हैं, अमित जी का गांव चलते हैं, और वहां पे जाकर के उन्होंने गांव बसाया। धर्म जी ने इलाहाबाद में जाकर के एक गांव बसाया, उसका नाम रखा धर्मपुर, उसका नाम रखा धर्मपुर। और उनको जो शुगर जो प्रोडक्शन हो रहा था, जो शुगर उनको हुआ था उसकी जो शुगर प्रोडक्शन हो रहा था, तो उन्होंने एक शुगर मिल खोल दिया और शुगर मिल का नाम रखा धर्मपुर शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड। धर्मपुर शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद के पास में गाँव है धर्मपुर, वहां पर एक शुगर मिल उन्होंने स्टार्ट किया, धर्मपुर शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड। अभी शुगर का प्रोडक्शन कितने दिन होना था भाई, आदमी की बॉडी से कितना दिन शुगर वहां पे निकलेगा, कितना शुगर निकलेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उनकी जो वाइफ है हेमा जी, वो वैसे भी यूपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उनसे सेटिंग करके, योगी सरकार भी आ गई है उधर, तो उनसे सेटिंग करके उन्होंने एक इलेक्ट्रिसिटी जो धर्मपुर शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड था, उसने क्या किया, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। और धर्म जी के पास में वहां पे कोई कस्टमर तो था नहीं, क्योंकि सब लोग उनसे डरते थे, तो उनके पास कोई कस्टमर नहीं था। तो हेमा जी ने थोड़ा सेटिंग करके, योगी जी से बात करके, जो यूपी गवर्नमेंट की कंपनी है, यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूपीपीसीएल जो यूपी गवर्नमेंट की कंपनी है, किसी कंपनी है आपका, यूपी गवर्नमेंट की कंपनी है ये, और ये यूपी गवर्नमेंट की कंपनी है तो आपको तो पता होगा, जो बाप बेटे गए हैं वहाँ पे, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव, पूरा का पूरा बर्बाद करे गए, लूट के गए, कुछ बचा नहीं है यूपी के पास में। तो ये यूपीपीसीएल कंपनी था, यूपीपीसीएल जो था ये भी दिवालिया कंपनी था, इसके पास कुछ पैसा वैसा था नहीं, लेकिन फिर भी योगी जी ने बोला कि भाई 24 घंटे हम बिजली देने वाले हैं, 24 आवर्स बिजली देने वाले हैं, तो धर्म जी एक काम करो, आपका जितना इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, जितना बिजली का प्रोडक्शन होता है, जितना आप पावर जनरेट करते हो, वो सारा का सारा पावर आप हमें दे दो। धर्म जी खुश हो गए कि चलो बीवी ने कुछ तो काम किया, ठीक है, पॉलिटिक्स किससे तो काम आए। तो धर्मपुर शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था, जितना भी पावर जनरेट करता था, वो सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी किसको देता था, यूपीपीसीएल को। एकमात्र ओनली कस्टमर था यूपीपीसीएल आपका, धर्मपुर शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड का, ठीक है। लेकिन यूपीपीसीएल ने बोला कि धर्म जी जो ट्रांसमिशन लाइन्स है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी लाने का, पावर हाउस तक लाने का जो ट्रांसमिशन लाइन्स है, वो बिछाने के पास हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि हम तो बर्बाद हो चुके हैं, यो अखिलेश यादव गया, पूरा का पूरा लूट के चला गया है इसको, तो उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो ये ट्रांसमिशन लाइन्स आपको बिछानी पड़ेगी। धर्म जी बोलते हैं भाई मरता क्या ना करता, करना ही पड़ेगा, एकमात्र ओनली एकमेव कस्टमर है, इसके अलावा कोई कस्टमर ही नहीं है, अगर ये चला गया तो इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी किसको देगा, इतनी इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे। तो वैसे उनके पास बहुत पावर है, तो वो इतना पावर क्या करेंगे, तो पावर क्या करेंगे, जो प्रोडक्शन होता था वहां पे, जो धर्म जी का पावर जो प्रोडक्शन होता था, जनरेशन होता था पावर का, वो सनी और बॉबी को बुलाया, वो बेकार बैठे थे वहां पे, उनके पास कुछ काम नहीं था, सनी और बॉबी को बुलाया और बोला लगाओ खंभे और बिछाओ ट्रांसमिशन लाइन। दोनों सनी और बॉबी उसके ऊपर वहां पे जमीन के अंदर खंभे, हेडपंप गाड़ने का निकालने में उस्ताद था, तो सनी ने वहां पे खंभे गाड़े और बॉबी देओल ने उसके ऊपर ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाई, तो सनी और बॉबी ने मिलकर ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाई, ओके। और वो ट्रांसमिशन लाइन्स का जो पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर था, वो पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर किसने किया, धर्मपुर शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड ने किया, क्योंकि इनके पास तो पैसा था नहीं। अभी जब खर्चा क्लेम करने की बात आई, तो असेसी ने आपका खर्चा एज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम किया। ये बोलता है बॉस ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। धर्म जी गुस्सा आया, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ऐसा बोला उन्होंने एओ को, लेकिन एओ कहां मानने वाला था। मैटर गया आपका कोर्ट में। अभी कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि बॉस कैपिटल एक्सपेंडिचर, एओ को पूछा जब कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो कोई असेट का क्रिएशन होना चाहिए, ओनरशिप क्रिएट होना चाहिए, कोई असेट क्रिएशन होना चाहिए, ओनरशिप क्रिएट होना चाहिए। बोले यस। बोलो ओनरशिप किसके पास है, बोलो ट्रांसमिशन लाइंस तो ये बिछा रहा और ओनरशिप आपका यूपीपीसीएल के पास में। ओनरशिप किसके पास भाई, ये जो ट्रांसमिशन लाइंस है, ये ट्रांसमिशन लाइंस का ओनरशिप है यूपीपीसीएल के पास में, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कंडीशन थी, एकमात्र कस्टमर है, ट्रांसमिशन का लाइन का जो ओनरशिप है इसके पास में। तो मतलब धर्म जी के लिए कुछ ओनरशिप हुआ क्या वहां पे, ओनरशिप क्रिएट हुआ, कोई असेट क्रिएशन हुआ। बोले असेट क्रिएशन किसके लिए हुआ, असेट क्रिएशन हुआ यूपीपीसीएल के लिए, एसएससी के लिए थोड़ी हुआ। पहला चीज,
दूसरा चीज ये एक्सपेंडिचर अगर नहीं करेगा, असेसी अगर ये एक्सपेंडिचर नहीं करेगा तो इसका ओनली कस्टमर है, एकमात्र कस्टमर है, उसको इलेक्ट्रिसिटी वहां पे नहीं दे पाएगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर पाएगा, बराबर है। तो यहां पे जो बिजनेस रन है, जो बिजनेस रन करने के लिए ये जो ट्रांसमिशन लाइन्स है उनको बिछाना बहुत जरूरी है, एक्सपेंडिचर करना बहुत जरूरी है। और तीसरा चीज जो यूपीपीसीएल है इसका ओनली कस्टमर है, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, मतलब ये चला गया तो कोई और नहीं। तो ये एक्सपेंडिचर करना इसके लिए जरूरी था, तो कोर्ट ने बोला कि बॉस ओनरशिप आपका एसएससी के पास में नहीं है, पहली चीज असेट क्रिएट नहीं हुआ है एसएससी के लिए, जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो आपका असेट क्रिएशन होगा, यहां पे नहीं हुआ। दूसरा, यहां पे एक्सपेंडिचर इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, बिजनेस रन करने के लिए एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट है। और तीसरा चीज जो यूपीपीसीएल है ओनली कस्टमर है, तो ये अगर इसके पास में नहीं रहा तो वो जो पावर जनरेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, वो किसी काम का नहीं होगा। सो एक्सपेंडिचर विल बी अलाउबल एज इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिडक्शन वहां पे मिलेगा एसएससी को, धर्मपुर शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड को। तो धर्मपुर, धर्म जी ने जो गांव बसाया था वहां पे शुगर मिल उन्होंने स्टार्ट किया था, धर्मपुर शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड उनके जो पावर है वो उसको जनरेट करते थे और ट्रांसमिशन लाइन्स के थ्रू वो यूपीपीसीएल को देते। नेक्स्ट केस है आपका नीलावती अदर्स का, एक लेडी थी, कहानी सुनना, एक लेडी थी, वो लेडी का जो थिएटर था, वो सिनेमा हॉल चलाती थी लेडी, और वो सिनेमा हॉल में वहाँ पे वो और उसके जैसी कुछ और लेडीज़ भी थी, ब्लू कलर की साड़ी पहन के वहाँ पे टिकट्स वहाँ पे काटती थी, बराबर है। तो अभी फिर बाद में क्या हुआ, कुछ गुंडे लोग आए और गुंडे लोग उस लेडी को और जो दूसरी लेडीज थी उसके साथ में जो ब्लू कलर की साड़ी पहन के वहाँ पे बैठी थी, ठीक है, बॉक्स ऑफिस के अंदर, उनको छेड़ने लगे गाना गा के, नीला दुपट्टा नीला सूट, ठीक है, पीला सूट है लेकिन वो नीला सूट उन्होंने पहन रखा था, नीला दुपट्टा नीला सूट जो गाना है वो गा करके छेड़ने लगे। वो लेडी ने सोचा कि इन गुंडों की वजह से मेरा बिजनेस वहां पे हैम्पर हो रहा है, तो इसने गुंडों को क्या किया, कुछ पेमेंट किया, बोला ये लो पैसे, तुम यहां से जाओ, यहां से निकलो, यहां पे तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो वहां पे गुंडाज को जो पैसा दिया है, लेकिन वो फिर से आ गए वापस। तो फिर पुलिस वालों को बुलाया और पुलिस वालों को बुला करके पुलिस वालों को वहां पे ब्राइब दिया, ब्राइब कि जो गुंडे लोग आकर के परेशान करते हैं इन लोगों को तुम यहां से रवाना करो। तो गुंडाज को जो पेमेंट किया है, जो हफ्ता दिया है, या पुलिस वाला को जो वहां पे आपका ब्राइब दिया है, क्या ये एक्सपेंडिचर एज एन रेवेन्यू अलाउ होगा? लेडी ने वहां पे क्लेम किया एज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोलती है रेवेन्यू इन नेचर है, दूसरा मेरा बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। बॉस सेक्शन 37(1) क्या बोलता है कि एक्सपेंडिचर विच आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 32-36(1) will be allowable under section 37(1) if expense is in revenue in nature, second this is expenditure has been done for business and it is in not in illegal nature. तो बॉस आपका बिजनेस के लिए खर्चा किया है, रेवेन्यू नेचर का भी है, बट यहां पे वो इलीगल एक्सपेंडिचर है। मोटिवेट करना, पुलिस वालों को मोटिवेट करना, गुंडों को मोटिवेट करना, आज यहां से इस थिएटर की जगह किसी और थिएटर जाएंगे, तो ये चीज है इलीगल एक्सपेंडिचर को मोटिवेट करना, डिसअलाउ होगा। तो ये आपका डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 37(1). तीसरा केस आपका आता है कैपिटल गेन में, जो आपका जो केस लॉ है कैपिटल गेन, नेक्स्ट केस लॉ बोलता है कैपिटल गेन के अंदर, फाइबर बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट। मैं एक दिन दिल्ली गया, सुप्रीम कोर्ट में जैसे मैं गया था किसी काम से, सुप्रीम कोर्ट गया था वहां पे, तो सुप्रीम कोर्ट में मैं जैसे गया तो एक वहां पे एक असेसी था, एक आदमी था वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर वहां पे था, एओ था, एओ को फाइबर का बोर्ड लेकर के बुरी तरह से मार रहा था, फाइबर का बोर्ड लेके उसके सर पे मार रहा था, बुरी तरह से मार रहा था। मैंने पूछा भाई साहब क्या हो गया, क्यों मार रहे हो? बोले मेरे को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसको फाइबर के बोर्ड से तब तक पीटते रहो जब तक ये लिमिटेड नहीं हो जाता, छोटा नहीं हो जाता तब तक इसको मारते रहो। मैंने मैटर क्या हुआ ये तो बताओ। बोले हुआ क्या था कि मेरा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग था, उसको मैंने क्या किया,
अर्बन एरिया से रूरल एरिया में शिफ्ट किया, मेरा जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग था वो उसको मैंने अर्बन एरिया से मैंने रूरल एरिया में शिफ्ट किया। मैंने कहा ओके, अभी मुझे उससे कैपिटल गेन हुआ, तो वो जो कैपिटल गेन होता है सर आपको तो पता ही होगा 54G के अंदर एग्जेम्पशन मिलेगा अगर आपने कैपिटल गेन का यूटिलाइजेशन कर दिया है टू अक्वायर न्यू प्लांट एंड मशीनरी लैंड और बिल्डिंग, मैंने कहा बराबर। बोले सर मैंने जो टाइम लिमिट था वो टाइम लिमिट के अंदर मैंने जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी लैंड बिल्डिंग परचेज के लिए एडवांस दे दिया, मैंने वो जो कैपिटल गेन का अमाउंट था मैंने एडवांस दे दिया टू अक्वायर लैंड बिल्डिंग और न्यू प्लांट मशीनरी। ये एओ बोलता है कि बॉस जो एडवांस दिया है दैट इज नॉट यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल गेन, आपको परचेज करना पड़ेगा, एडवांस देने से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग आए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई 54G के लिए आपका कंडीशन क्या है? बोले 54G के लिए कंडीशन है कि जो कैपिटल गेन है, जो कैपिटल गेन अमाउंट है दैट शुड बी यूटिलाइज फॉर द परचेज और दैट शुड बी यूटिलाइज फॉर द एक्विजिशन ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग। पहला तो बॉस इसने वहां पे एडवांस दिया है, वो एडवांस दिया तो उसका मोटिव है, तभी तो दिया है, परचेज करने के लिए दिया है। तो कंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि बॉस जो एडवांस दिया है वो अक्वायर करने के लिए दिया है, तो जो एडवांस दिया है वो यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल गेन माना जाएगा और वहां पे एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54G गांव, चलो 54G मतलब गांव, अर्बन से रूरल गांव, चलो वहां पे एग्जेम्पशन मिलेगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये पढ़ा लिखा आदमी होकर के इनकम टैक्स का ऑफिसर होकर ऐसा काम करता है तो उसको फाइबर के बोर्ड से तब तक मारते रहो जब तक ये लिमिटेड नहीं होता, तो फाइबर बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा ये वाला जो केस था, गुंडे कौन सा गाना गा रहे थे? नीलावती एंड अदर्स, और लेडीज ने कौन सा कलर के कपड़े पहन रखे थे? नीले कलर के। ओके, सो नीलावती एंड अदर्स का केस है, प्लीज कॉपी कर लीजिए इन तीनों केसेस को।
नेक्स्ट केस लॉ है आपका डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई चैप्टर 6 से डिडक्शंस में से आपका केस लॉ है। अच्छा, जो जेठालाल तो सबको पता होगा, जेठालाल जेठालाल के जो ससुर जी है मतलब दया के पापा, उनका नाम है गोविंद भाई, ठीक है, गुजरात से जो अहमदाबाद से गोविंद भाई। अभी ससुर जी है तो श्री तो लगाना ही पड़ेगा। तो जेठालाल जेठालाल और जो गोविंद भाई का सरनेम है नाथवानी, गोविंद भाई का जो सरनेम है नाथवानी, तो जेठालाल ने और उनके ससुर जी ने, जेठालाल और उनके ससुर जी ने मतलब जो टप्पू के नाना है जो दया के फादर है, ठीक है, गोविंद भाई, श्री गोविंद भाई, श्री गोविंद भाई और जेठालाल, श्री गोविंद भाई और जेठालाल दोनों ने मिलके क्या किया, एक चैरिटेबल ट्रस्ट स्टार्ट किया, श्री गोविंद भाई जेठालाल नाथवानी चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री गोविंद भाई जेठालाल नाथवानी चैरिटेबल ट्रस्ट, मतलब श्री गोविंद भाई ससुर जी, नाथवानी उनका सरनेम और जेठालाल दामाद है, तो वो भी बीच में आ गया। दामाद तो हमेशा बीच में ही फंसने वाली चीज होती है, तो वहां पे आपका दामाद भी जेठालाल बीच में आ गया। श्री गोविंद भाई जेठालाल नाथवानी चैरिटेबल ट्रस्ट गुजरात में अहमदाबाद में उन्होंने ट्रस्ट स्टार्ट किया। अभी वो ट्रस्ट था आपका रजिस्टर्ड था अंडर सेक्शन 12AA के अंदर, ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है 12AA के अंदर, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जब 12AA के अंदर रजिस्टर करवाएगा तो जो ट्रस्ट की इनकम होती है सेक्शन 11 और 12 के अंदर एग्जेम्प्टेड होती है, अगर उसने 85% ऑफ द इनकम, 85% ऑफ द इनकम उसने अप्लाई किया अपने ऑब्जेक्ट के लिए, अगर अपने ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है 85% इनकम, तो सेक्शन 12 और 11 के अंदर आपका ट्रस्ट का इनकम रजिस्टर्ड होगा, अगर वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA, अंडर सेक्शन 12AA। लेकिन एक और आपका रजिस्ट्रेशन होता है, 12AA का रजिस्ट्रेशन के अलावा एक और रजिस्ट्रेशन होता है, वो ATG का रजिस्ट्रेशन होता है। ATG किस लिए होता है? ATG होता है अगर कोई डोनेशन देता है, अगर कोई ट्रस्ट को या इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देता है, तो वो डोनेशन के लिए बेसिकली उसको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, तो ATG उसके लिए होता है। ATG आपका किसके लिए होता है? जो डोनेशन देता है ट्रस्ट या रजिस्टर्ड को, उससे रिलेटेड होता है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे एसएससी ट्रस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड था 12AA के अंदर, वो 11 एंड 12 में इनकम भी आपका वहां पे एग्जम्पशन क्लेम कर रहा था, ठीक है, उसने अप्लाई किया ATG के रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। लेकिन ट्रस्ट ने एक गलती कर दी थी कि जो इनकम थी उसका 85% उसने अप्लाई नहीं किया था, बस CIT ने वो बात पकड़ ली, CIT ने वो बात पकड़ ली, और जो श्री गोविंद भाई जेठालाल नाथवानी ट्रस्ट था, श्री गोविंद भाई ससुर जी जेठालाल दामाद बीच में पिसने वाला आदमी और नाथवानी चैरिटेबल ट्रस्ट था, ठीक है, उसने इनकम अप्लाई नहीं किया था 85%, उसने ATG के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, CIT ने वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। CIT ने ग्राउंड दिया कि बॉस ट्रस्ट ने अपना 85% इनकम वहां पे अप्लाई नहीं किया है। कोर्ट ने बोला बॉस जो 85% इनकम वहां पे अप्लाई करना या ना करना, क्या वो ATG से रिलेट करता है क्या कहीं पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता। वो रिलेट करता है आपका 12AA से, 12AA से रिलेट करता है कि 85% आपको अप्लाई करना पड़ेगा तभी सेक्शन 11 12 के अंदर आपको एग्जम्पशन मिलेगा, बराबर है, 12AA से। अगर 12AA का रजिस्ट्रेशन है दैट इज सफिशियंट रीजन फॉर ATG। अगर आपका ट्रस्ट रजिस्टर्ड है 12AA के अंदर, तो फिर आपका वहां पे ATG के लिए सफिशियंट कॉज हो जाएगा, तो वहां पे ATG का जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, तीन बातें ऑब्जर्व की कि ATG डज नॉट रिलेट टू असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट, ATG रिलेटेड टू गिविंग डायरेक्शन फॉर डोनेशन मेड टू ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन, एंड 12AA रजिस्ट्रेशन इज कंडीशन फॉर ATG। तो 12AA रजिस्ट्रेशन था वहां पे, तो वहां पे आपका जो ट्रस्ट होगा सिर्फ उस रीजन की वजह से कि इनकम अप्लाई नहीं किया 85%, वहां पे उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हो सकता ATG के अंदर, ओके। सो श्री गोविंद भाई ससुर जी जेठालाल दामा जो बीच में पिसने वाला आदमी है, नाथवानी ससुर जी का सरनेम, चैरिटेबल ट्रस्ट, ओके, गुजरात का केस है आपका। नेक्स्ट केस आता है आपका असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज के अंदर। अच्छा, गोविंद से रिलेटेड तीन केसेस है, तो सेकेंड भी आपका गोविंद वाला केस है, तो कैसे याद रखने का है, गोविंद भाई जहां पे जेठालाल है तो वो आपका चैरिटेबल ट्रस्ट का, जेठालाल है मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट है, क्योंकि जेठालाल तो आपको पता ही है भाई, वो बबीता जी के पीछे घूमता रहता है, तो उस चक्कर में 85% इनकम उसने अप्लाई किया ही नहीं, समझा कि नहीं समझा। और दूसरा जो गोविंद भाई ममैया सुप्रीम कोर्ट का वेरी इंपॉर्टेंट असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, इसके अंदर क्या था
कि तीन भाई थे, उनके एक फादर थे, बेचारे बुजुर्ग आदमी, आप देख ही रहे हो कैसी हालत है। जो फादर थे उनके तीन बेटे थे, तो तीन भाई थे, एक थोड़ा पंडित टाइप का आदमी था गोविंद, दूसरा थोड़ा दादा टाइप का आदमी था मामा, ठीक है, पुलिस में था वो, मामा बोलते थे उसको, मामा पुलिस में बोलते थे मामा, ठीक है, और तीसरा थोड़ा रॉक स्टार टाइप का था, अय्या ऐसे, मतलब अय्या ऐसे, वो लाइक तीन भाई थे, गोविंद जो पंडित टाइप का था, मामा मतलब जो दादा टाइप का पुलिस में था, और अय्या रॉक स्टार टाइप का जो था, मतलब एकदम यंगस्टर, ठीक है, अय्या, ये तीन भाई थे, गोविंद मामा अय्या, ठीक है, ये तीन भाई थे, गोविंद मामा अय्या, ठीक है, ये तीन भाई थे, इनके फादर की डेथ हुई तो उनको कुछ लैंड वहां पे इनहेरिटेड हुआ, तीन भाई थे, गोविंद के दो भाई और थे, आपका मामा जो मूछ वाला मामा, मतलब जो पुलिस वाला, और अय्या मतलब रॉक स्टार, ठीक है, ये तीन भाई थे, तीन भाई को उनके फादर की डेथ पे एक लैंड इनहेरिटेड हुआ, और वो लैंड कंपलसरी अक्वायर्ड हो गया, लैंड क्या हो गया, कंपलसरी अक्वायर्ड हो गया, तो जो लैंड कंपलसरी अक्वायर हुआ तो उससे जो कैपिटल गेन हुआ, एओ ने क्या कर दिया, इन तीनों को एओपी कंसिडर करते हुए उसको कैपिटल गेन को वहां पे टैक्सेबल कर दिया, ठीक है, तो कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, कोर्ट ने बोला बस एओपी मतलब क्या होता है, एओपी का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कॉमन पर्सन जो है, अगर वो मिलके कोई कॉमन पर्पस के लिए, दो या दो से ज्यादा लोग, टू और टू मोर पर्संस, ठीक है, वो आपका हाथ मिलाते हैं फॉर कॉमन पर्पस, कोई बिजनेस वगैरह करने के लिए, यहां पे ऐसा कुछ है क्या, नहीं बॉस यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे तो क्या प्रॉपर्टी इनहेरिटेड है, प्रॉपर्टी क्या है, जो प्रॉपर्टी मिला है वो इनहेरिटेड है, उसका कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, मतलब जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेड है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, किसी की डेथ हुई, इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिला, अभी यहां पे कॉमन लोगों ने कौन सा हाथ मिला है, यहां पे कुछ बिजनेस करने के लिए हाथ मिला है क्या, नहीं, तो ये यहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, प्रॉपर्टी आपका जो इनके पोजीशन में जो प्रॉपर्टी था वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, मींस दैट इज ऑपरेशन ऑफ लॉ। दूसरा, जो यहां पे इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ था, एक इंटरेस्ट रिसीव हुआ था कंपल्सरी एक्विजिशन की वजह से इंटरेस्ट रिसीव, दैट इज नॉट ड्यू टू एनी बिजनेस, वो किसी बिजनेस की वजह से इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ था। तो यहां पे कोर्ट ने दो चीज ऑब्जर्व किया कि बॉस यहां पे किसी कॉमन पर्पस के लिए इन लोगों ने हाथ नहीं मिलाया है, किसी बिजनेस के लिए हाथ नहीं मिलाया है, दूसरा यहां पे कुछ इंटरेस्ट मिला था तो वो दैट वाज ड्यू टू कंपलसरी एक्विजिशन, वो आपका किसी बिजनेस के लिए नहीं मिला था, तो जो कैपिटल गेन होगा इट विल बी टैक्सेबल इन देयर इंडिविजुअल हैंड्स, न कि एओपी में, एओपी में आपका टैक्सेबल नहीं होगा, इट विल बी टैक्सेबल इन द इंडिविजुअल हैंड्स ऑफ गोविंद मामा अय्या, गोविंद के भाई है मामा अय्या, ठीक है, सो गोविंद भाई मामा अय्या, तो जहां पे तीन भाई थे गोविंद को मिला करके, वो आपका केस कौन सा है, वो केस कौन सा है, एओपी का केस है, ठीक है, और जो जेठालाल वाला केस है वो आपका चैप्टर 6 डिक्शन का आपका केस है, ठीक है। इसके बाद में एक और गोविंद आया था। अभी गोविंद नगर में शुगर वहां पे का प्लांट लगा हुआ है, गोविंद नगर में शुगर का प्लांट लगा हुआ है, तो भाई क्या हो गया कि वहां पे उन्होंने अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वहां पे उनको कैरी फॉरवर्ड करना था, और रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया अंडर सेक्शन 139(1), रिटर्न ऑफ इनकम विद इन ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) फाइल नहीं किया। अब एक सेक्शन है सेक्शन 80 और एक और सेक्शन 139(3) लॉस रिटर्न के अंदर पांच ऐसे लॉसेज है, कौन कौन सा, एक आपका स्पेक्युलेटिव, नॉन स्पेक्युलेटिव, कैपिटल लॉस एंड ओनिंग एंड मेंटेनिंग एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, और लास्ट में इस बार एक नया अमेंडमेंट हुआ है लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेसेस, पांच लॉसेस है उनको अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करने का है तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 139(1), बट there are some losses
फॉर एन एग्जाम्पल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अनएब्जॉर्ब डेप्रिशन, अगर इनको कैरी फॉरवर्ड करने का है, सो देर इज नो कंपल्सन ऑफ रिटर्न फाइलिंग इनकम अंडर सेक्शन 139(1), मतलब ड्यू डेट पे फाइल करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जो गोविंद नगर में जो शुगर मिल था, उस कंपनी ने, गोविंद नगर शुगर लिमिटेड ने क्या किया, दिल्ली में है वो, गोविंद नगर आपका दिल्ली में, गोविंद नगर शुगर लिमिटेड ने क्या किया, अनएब्जॉर्ब डेप्रिशन कैरी फॉरवर्ड करना था, रिटर्न ऑफ इनकम 139(1) में फाइल नहीं किया। एओ ने बोला बॉस अलाउ नहीं होगा, आपका जो लॉसेस है, अनअब्सॉर्ब डेप्रिशन है, वो आपको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए 139(1) में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा। बॉस कोर्ट ने डिसीजन दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन किया कि बॉस सेक्शन 80 एंड 139(3) आपका अप्लाई नहीं होता है अनअब्सॉर्ब डेप्रिशन पे, तो कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनअब्सॉर्ब डेप्रिशन विल बी अलाउबल। कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनअब्सॉर्ब डेप्रिशन विल बी अलाउबल। नेक्स्ट केस है आपका असेसमेंट प्रोसेस, ये दोनों असेसमेंट प्रोसेस हेमंत ट्रेडर्स, हेमंत मेरा एक दोस्त है, हेमंत बेचारा सीधा साधा एकदम गाय है, ठीक है, आलू का बिजनेस करता है, पोटेटो का बिजनेस करता है, हेमंत है, नाम से ही मतलब पता चलता है कि आलू टाइप का आदमी होगा और आलू का बिजनेस करता होगा हेमंत, ठीक है। अभी हेमंत जो है मेरा दोस्त है, पोटेटो का बिजनेस करता है, वो उसके वहां पे एक दिन सेक्शन 133A के अंदर सर्वे हो गया, असेसमेंट ईयर 16-17 हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, असेसमेंट ईयर 16-17 में उसके वहां पे 133A में सर्वे कंडक्ट हो गया, और सर्वे कंडक्ट में कुछ 4-5 हजार का, एक तो आपका 5000 का कुछ आसपास का कैश का डिफरेंस आया, तो उसने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये डे टू डे एक्टिविटीज है, तो वहां पे हो गया। दूसरा एक स्टॉक डिफरेंस आया, लेकिन उसको भी हेमंत जो था उसने एक्सप्लेन कर दिया, उसको भी हेमंत ने वहां पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अभी एओ ने क्या किया, एओ ने क्या कर दिया, उस ग्राउंड पे, स्टॉक डिफरेंस के ग्राउंड पे असेसमेंट ईयर 15-16 का, मतलब उसके पहले वाले ईयर का असेसमेंट ईयर 15-16 का जो केस था वो रीओपन कर दिया, 148 का नोटिस भेज दिया, 148 का नोटिस भेज दिया, 147 वहां पे उसने 147 में प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बॉस यहाँ पे कुछ भी ऐसा मटेरियल फैक्ट नहीं था जो ये बताता हो कि इनकम एस्केपमेंट असेसमेंट हुआ हो। तो बेचारा हेमंत ऐसे ही ट्रेडर, जो हेमंत था जो ट्रेडिंग करता था, ट्रेडर था, आलू पोटेटो का ट्रेडर था, तो मैंने हेमंत को बोला कोई टेंशन नहीं लेने का, एओ के पास में कोई मटेरियल फैक्ट नहीं है वहां पे, तो एओ वहां पे 147 वहां पे प्रोसीडिंग कर ही नहीं सकता, जो 148 का नोटिस तुझे भेजा है वो क्या होगा, इनवैलिड। और सेम बात बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी यही बोला, हेमंत को बोला कि हेमंत जो पोटेटो का बिजनेस करता था, वो खुद पोटेटो नहीं था, ठीक है, हेमंत को बोला कि हेमंत तू टेंशन मत ले, ट्रेडिंग करता रहे, तू ट्रेडर बना रहे, हेमंत ट्रेडर्स कंटिन्यू रख, तेरा केस रीओपन नहीं हो सकता, बिकॉज तेरा वहां पे कोई भी मटेरियल नहीं है जो इंडिकेट करे कि इनकम एस्केपमेंट असेसमेंट हुआ है। हेमंत ट्रेडर्स बॉम्बे, प्लीज कॉपी कर लीजिए।
नेक्स्ट केस है आपका असेसमेंट प्रोसेस है गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है फ्रेंड्स। एक चीज समझने की कोशिश करना, क्या हुआ कोई भी एक्सपेंस, फॉर एन एग्जाम्पल अपने हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं कि लॉकर एक्सपेंस, गोदरेज के लॉकर्स आते हैं, गोदरेज के लॉकर्स आते तो असेसी ने गोदरेज के लॉकर्स लगाए थे, असेसी ने जो अपनी इंडस्ट्रीज है, अपनी जो इंडस्ट्रीज है उसमें गोदरेज के लॉकर्स लगाए थे, गोदरेज के लॉकर्स लगाए थे अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर, बराबर है। तो असेसी ने जो गोदरेज के लॉकर्स लगवाए थे अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर, गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड गोदरेज के जो लॉकर्स लगाए थे, वो जो लॉकर्स एक्सपेंसेस उसने क्लेम किया था, बराबर है। तो एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, टिल 30th जनवरी 2017 कोई लॉ या कोई भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट किसी का भी कोई भी जजमेंट नहीं था लॉकर एक्सपेंसेस रिलेटेड, लॉकर एक्सपेंसेस रिलेटेड कोई भी लॉ या आपका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट नहीं था। असेसी ने क्या किया था, अपनी इंडस्ट्रीज में गोदरेज के लॉकर्स लगवाए थे, ओके। तो वो जो लॉकर एक्सपेंसेस किया उससे रिलेटेड कोई भी लॉ या जजमेंट वहां पे आपका नहीं था 30th जनवरी 2017 तक। अभी एओ ने क्या किया, एओ ने 148 का नोटिस वहां पे रीओपनिंग का नोटिस 148 का नोटिस इशू कर दिया ऑन 30th जनवरी 2017 को, 30th जनवरी 2017 को नोटिस वहां पे एओ ने वहां पे इशू कर दिया, ठीक है। ऑन 1st फरवरी बजट आया, अरुण जेटली जी ने 1st फरवरी को वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कर दिया, लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव फैक्ट्स अमेंड कर दिया, लॉ को बोला चलो 2009 से 2005 से लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव वहां पे इफेक्ट्स अमेंड कर दिया और ये जो एक्सपेंसेस थे इनको डिसअलाउ कर दिया, ये जो एक्सपेंसेस थे क्या कर दिया, इसको डिसअलाउ कर दिया, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स अमेंड कर दिया। अभी क्वेश्चन ये है, इशू ये है कि जो इस दिन ये जो नोटिस इशू हुआ है, मतलब बजट से पहले, लॉ अमेंड होने से पहले जो नोटिस इशू हुआ है, क्या वो नोटिस वैलिड होगा या नहीं होगा? बॉस ये नोटिस आपका इनवैलिड हो जाएगा अगर आपका लॉ, जैसे ही नया लॉ आएगा वो नोटिस आपका क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। हाँ अभी क्या कर सकता है, अगर टाइम लिमिट परमिट करता है 4 ईयर 6 ईयर्स अगर टाइम लिमिट परमिट करता है तो फिर से नया नोटिस भेज सकता है, जो अमेंडमेंट हुआ है लॉ में उसकी वजह से, ओके। तो नया नोटिस भेज सकता है 148 में, केस रीओपन कर सकता है, लेकिन जो नोटिस ऑन 30th जनवरी 2017 जो नोटिस इशू हुआ है वो आपका इनवैलिड हो जाएगा, ओके। सो गोदरेज के लॉकर्स लगवाए थे इंडस्ट्रीज के अंदर, गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर, ओके। नेक्स्ट आपका वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ है विपिन वालिया। अभी आप लोगों को शायद पता होगा हिमेश रेशमिया जो है ना, तेरा 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 सुरूर, वो हिमेश रेशमिया के फादर का नाम है विपिन रेशमिया। जो विपिन रेशमिया है बेसिकली वो विपिन जी थे। अभी हिमेश रेशमिया रोता रहता है, एवरी टाइम रोता रहता है, तो अब पता चला क्यों रोया है, ठीक है। भगवान हिमेश जी के फादर को लंबी उम्र दे, लेकिन अपने को तो केस लॉ याद रखना है, तो केस लॉ याद रखने के लिए अभी मेरे को पता चला कि हिमेश रेशमिया क्यों रोता रहता है, उसके फादर थे ना उसको, उनको बुला लिया था, जो विपिन जी थे हिमेश रेशमिया के फादर थे, उनको क्या कर दिया था, ऊपर वाले ने बुला लिया था। तो हिमेश रेशमिया तेरा शुरू वाह, ठीक है, वो क्या बोलता है आपका, जब बुलाया तो हिमेश रेशमिया कुछ प्रॉपर्टी मिला होगा तो उससे हिमेश रेशमिया खुश हुआ और बोलता है वाह, बार बार वाह बोलता है, अपने सॉन्ग में भी वाह वाह वाह, ठीक है। तो आपका हिमेश रेशमिया उसके फादर, उसका नाम है विपिन, और वाह बुला लिया, ठीक है। तो साइलेंट आपका बुला साइलेंट है विपिन वाह, और बुला साइलेंट है, बुला मतलब ऊपर बुला लिया, विपिन वा लिया, ठीक है, विपिन वा लिया। तो हिमेश रेशमिया के फादर को बुला लिया, विपिन वा लिया। अभी समझो बात को, हिमेश रेशमिया के फादर को एओ ने फॉर द असेसमेंट ईयर 2008-09 के लिए रीओपनिंग का नोटिस भेजा अंडर सेक्शन 148 रीओपनिंग। अच्छा 2008-09 का जो आपका केस है, 2008-09 का केस लॉ जो केस है आपका, कब तक रीओपन हो सकता है, 6 ईयर्स। फॉर एन एग्जाम्पल आपका 6 ईयर्स तक केस रीओपन हो सकता है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इज मोर देन रुपीज वन लाख, तो केस 6 ईयर्स तक रीओपन हो सकता है, मतलब असेसमेंट 8-09 से, मतलब 31 मार्च 9 से अगर मैं काउंट करूँ तो 31 मार्च 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 31 मार्च 2015 तक केस रीओपन हो सकता है, 31 मार्च 2015 तक केस रीओपन हो सकता है।
तो कोई बात नहीं है। एओ ने भी क्या किया, नोटिस इशू किया अंडर सेक्शन 148 किसको, असेसी को। असेसी को, असेसी कौन है अपना, विपिन, ठीक है। असेसी कौन है, विपिन। विपिन को नोटिस इशू किया और डेट था आपका 27th मार्च 2015। यस, करेक्टली विद इन द टाइम आपका नोटिस इशू किया। यहां पे असेसी जो एओ ने, एओ ने असेसी को नोटिस इशू किया 27th मार्च 2015 को नोटिस इशू किया, ठीक है। और उसी दिन, उसी दिन जो हिमेश जी के फादर थे उनको बुला लिया था, विपिन वा लिया, ठीक है, विपिन वा लिया, उनको बुला लिया था वहां पे। तो नोटिस वापस रिटर्न आ गया एओ के पास में, क्योंकि असेसी क्या हो गया था, असेसी की डेथ हो गई थी, असेसी की डेथ हो गई थी। 27 मार्च 2015 को नोटिस इशू किया बिफोर 31 मार्च 2015, लेकिन नोटिस वापस रिटर्न आ गया, नोटिस आपका अनसर्व्ड रह गया, फिर से वापस रिटर्न आ गया। गेटिंग माई पॉइंट? अभी जब असेसी की डेथ हो जाती है तो इनकम टैक्स में प्रोविजन है कि भाई जो प्रोसीडिंग्स होगी वो जो लीगल हेयर्स है उनके ऊपर वो प्रोसीडिंग्स हो सकती है, जो लीगल हेयर्स वगैरह जो होंगे आपका उनके ऊपर वो प्रोसीडिंग हो सकती है, बराबर है। तो यहाँ पे एओ को, एओ को लीगल हेयर को ढूंढना पड़ेगा, एओ को जो लीगल हेयर होगा उसको ढूंढना पड़ेगा। अभी विपिन जी केस में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी विपिन जी केस में, क्योंकि हिमेश रेशमिया सब जानते, सबको पता लगा हिमेश रेशमिया के फादर की डेथ हुई। तो क्या किया कि चलो एओ ने सोचा, गुड फेथ में एओ ने सोचा कि अभी तो हिमेश जी के घर पे शोक है, उनके घर पे शोक है थोड़े दिन, मतलब ऐसे, तो अभी एकदम से उनको रीअसेसमेंट का नोटिस भेज देंगे, लीगल हेयर को तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो थोड़ा दिन आराम से माहौल ठंडा हो जाए उसके बाद में भेजेंगे। तो एओ ने क्या किया, जो लीगल हेयर थे मिस्टर हिमेश रेशमिया, मिस्टर हिमेश रेशमिया जो लीगल हेयर थे विपिन जी के, उनको नोटिस अंडर सेक्शन 148 भेजा, और वो कौन सी डेट को भेजा, 15th अप्रैल 2017 को, 15th अप्रैल 2017 को। क्या रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग आपकी वैलिड होगी क्या? नो बॉस। अगर जो डेट लीगल हेयर, जो आपका जो डेट तक नोटिस भेजा जा सकता था किसको, असेसी को, जिस डेट तक असेसी को नोटिस भेजा जा सकता था उसी डेट, उसी डेट तक आपका नोटिस इशू किया जा सकता है टू लीगल हेयर, उसी डेट तक नोटिस इशू किया जा सकता है हिमेश रेशमिया को। तो हिमेश रेशमिया को भी नोटिस कब तक इशू हो जाना चाहिए था, 31 मार्च 2015 तक, लेकिन नोटिस कब इशू हुआ है, 15th अप्रैल 2017 को नोटिस इशू हुआ है। सो दैट नोटिस विल बी इनवैलिड एंड रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग विल बी इनवैलिड, रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग भी इनवैलिड। सो केस का नाम क्या है, विपिन वालिया, विपिन वालिया, ठीक है, विपिन वालिया केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस है। इसके बाद में एक और केस लो है, अभी हमारे पड़ोस में एक अग्रवाल जी रहते हैं, अग्रवाल जी रहते हैं, वो हर साल अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं। मेरे पड़ोस में एक अग्रवाल जी रहते हैं, ठीक है, अग्रवाल जी रहते हैं, और वो अग्रवाल जी हर साल, एवरी ईयर, इतने भक्ति भाव वाले आदमी, इतने भक्ति भाव वाले आदमी है, ठीक है, उनका नाम ही अमरनाथ हो गया है। सब सब बोलते हैं कि भाई ये आप तो अमर हो गए, अमर हो गए, ठीक है, ओके, तो उनका नाम ही अमरनाथ हो गया है, और एवरी ईयर वो अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं, अग्रवाल जी, अग्रवाल जी जो है, ठीक है, वो एवरी ईयर अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं, ठीक है। तो बीच में अलाहाबाद भी आता है, बीच में अलाहाबाद भी आता है, तो अलाहाबाद में भी दर्शन वर्शन करके वो आगे जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। अभी इतने अच्छे आदमी है, इतने भले आदमी है, इतने अच्छे आदमी, इतने भले आदमी है, एओ ने क्या किया, एओ ने उनका केस रीओपन कर दिया, एओ ने उनका केस रीओपन कर दिया। जो असेसमेंट ईयर का केस रीओपन हुआ वो बियॉन्ड फोर ईयर्स, बियॉन्ड फोर ईयर्स मतलब सिक्स ईयर्स, जो सिक्स ईयर्स का टाइम लिमिट था उसने केस रीओपन कर दिया। अच्छा, कोई भी केस आपका बियॉन्ड फोर ईयर्स रीओपन होने के लिए तीन कंडीशन क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होना चाहिए, थ्री कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई क्यूमुलेटिवली। कोई भी केस अगर रीओपन करने का है बियॉन्ड फोर ईयर्स, फॉर सिक्स ईयर्स, देन थ्री कंडीशन शुड बी क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई। फर्स्ट कंडीशन इज देयर मस्ट बी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख और मोर, 1 लाख से अगर इनकम, 1 लाख और 1 लाख से ज्यादा अगर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होगा तो आपका सिक्स ईयर्स में केस रीओपन हो सकता है बियॉन्ड फोर ईयर्स। दूसरा रीजन शुड बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, अगर जो केस आपका रीओपन करने का है उसका रीजन आपका राइटिंग में रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हुआ है। एंड थर्ड प्रायर अप्रूवल, अगर 4 ईयर्स है तो 4 ईयर्स तक अगर JCIT खुद AO है तो किसी का अप्रूवल का रिक्वायरमेंट नहीं है, बराबर है। अगर आपका AO JCIT से नीचे है तो JCIT का वहां पर अप्रूवल लगेगा, लेकिन अगर 4 ईयर्स से बियॉन्ड है, 4 ईयर्स से बियॉन्ड है, चाहे AO कोई भी हो, JCIT हो कोई भी हो, ठीक है, इन दैट केस 4 ईयर्स से बियॉन्ड CIT और CCIT का अप्रूवल लगेगा। सो दीज थ्री कंडीशन क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होना चाहिए, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट शुड बी रुपीज 1 लाख और मोर, रीजन शुड बी रिकॉर्डेड इनटू राइटिंग, एंड प्रायर अप्रूवल ऑफ CIT CCIT नीडेड। अभी एक चीज बताओ, यहां पे इशू क्या हुआ होगा, अभी अमरनाथ जी के केस में एओ ने केस रीओपन कर दिया बियॉन्ड फोर ईयर्स,
लेकिन उसने क्वांटिफिकेशन ऑफ इनकम किया ही नहीं, क्वांटिफिकेशन ऑफ इनकम सेटिस्फैक्शन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ इनकम किया ही नहीं। बॉस विदाउट क्वांटिफिकेशन कैसे पता चलेगा कि इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 1 लाख से ज्यादा है या कम है? सो यस, क्वांटिफिकेशन ऑफ इनकम एंड रीजन शुड बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। इट इज मस्ट कंडीशन टू रीओपनिंग द केस बियॉन्ड 4 years, okay, so जब quantification होगा वो आप reason जब लिखोगे नहीं, reasons आप लिखोगे नहीं, तो income escaping assessment is more than 1 lakh, कैसे आप reopen कर पाओगे case beyond 4 years? तो यहाँ पे अमरनाथ जी जो भक्तिभाव वाले आदमी थे, अमरनाथ जो भगवान अमरनाथ है उनको इनाम दिया, अग्रवाल जी को इनाम दिया कि बॉस आपका केस reopen नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे reasons recorded नहीं हुए है, इनकम escaping असेसमेंट 1 lakh से मोर है या नहीं। ओके, सो इन दैट केस इश्यू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 आफ्टर 4 years इज नॉट पॉसिबल, आफ्टर 4 years इज नॉट पॉसिबल। अगर इसके बाद में कोई नोटिस इशू हुआ है तो नोटिस विल बी इनवैलिड एंड प्रोसीडिंग विल बी इनवैलिड। प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए।
नेक्स्ट केस लॉ है अपील्स एंड रिविजन से कृष्णा कैब बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड। अपने जो कृष्ण भगवान है उनको एक दिन एओ बना दिया गया, असेसिंग ऑफिसर बना दिया गया। अभी कृष्ण भगवान का तो स्टाइल ही अलग है, वो कैब पहनते हैं, मुकुट पहनते हैं ना, आपने देखा होगा महाभारत के अंदर या आपने कृष्णा जो सीरियल आता था उसके अंदर मुकुट पहनते थे, वो जो कैब पहनते थे मुकुट, आज के टाइम पे उसको कैब बोलते हैं, पहले उसको मुकुट बोलते थे। तो वो जो मुकुट पहनते थे, वो जो कैब पहनते थे, उसके अंदर उन्होंने छोटे छोटे बॉक्सेस बना दिए। वो छोटे छोटे बॉक्सेस थे, कृष्णा ने क्या किया, कैब पहना है, उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस बनाया, वो बॉक्सेस को बड़ा ही वो काम के लिए इस्तेमाल करते थे। देखो कृष्ण भगवान जो एओ थे, कृष्णा जो एओ थे, उनके जो बॉक्स के अंदर, जो कैप के अंदर बॉक्सेस थे, वो एओ ने क्या किया, एक असेसी का असेसमेंट कंप्लीट किया। एओ का एओ ने क्या किया, असेसी का असेसमेंट कंप्लीट किया। जहां पे भी उनको लगता था वहां पे उन्होंने इंक्वायरी किया, वेरिफिकेशन किया। जहां पे भी लगता था उन्होंने इंक्वायरी किया और वेरिफिकेशन भी किया, बराबर है, ठीक है। जहां पे उनको लगता था उन्होंने असेसी का रिप्लाई भी लिया, जहां पे लगता था इंक्वायरी का वहां करने का इंक्वायरी किया, जहां पे लगता था रिप्लाई लेने का असेसी का वो भी लिया, और जितने भी रिप्लाईज थे, जितने भी रिप्लाईज थे, इंक्वायरी था, जो भी डॉक्यूमेंट था, वो सारे के सारे एक पेपर बुक बना करके, पेपर बुक बना के ऑन रिकॉर्ड क्या कर दिया, अपने बॉक्स के अंदर रख दिए। अपने बॉक्स के अंदर उन्होंने सारे इंक्वायरीज, वेरिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट थे, जो रिप्लाई थे, वो अपने बॉक्स के अंदर, जो कैप के अंदर बॉक्स था उसके अंदर रख दिए वहां पे, ठीक है। अभी उन्होंने असेसमेंट ऑर्डर पास किया, उसके अंदर मेंशन नहीं किया कि मैंने इंक्वायरी किया है या नहीं किया है, बराबर है। जो भी इंक्वायरी वगैरह किया या जो भी वहां पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट की रिप्लाई लिया, उसको अपने असेसमेंट ऑर्डर के अंदर मेंशन नहीं किया, मेंशन नहीं किया। सीआईटी ने क्या किया, सीआईटी ने बोला बॉस नॉन मेंशनिंग ऑफ इंक्वायरीज एंड वेरिफिकेशन इन असेसमेंट ऑर्डर, नॉन मेंशनिंग ऑफ इंक्वायरीज एंड वेरिफिकेशन इन असेसमेंट ऑर्डर, बोला दैट ऑर्डर इज एरोनियस एंड इट इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। बॉस 263 कब इन्वोक होता है, तीन कंडीशन, इफ पहला चीज ऑर्डर हो, दूसरा there must be order, second, that order is erroneous and third it is prejudicial to the interest of the revenue। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है, तीन क्यूमुलेटिव कंडीशन फुलफिल होता है, then CIT can invoke 263 में आपका रिवीजन कर सकता है। और ऑर्डर एरोनियस कब होगा, जब एओ ने वेरिफिकेशन नहीं किया है, इंक्वायरीज नहीं किया और उसके बगैर उसने कोई क्लेम दे दिया है, विदाउट वेरिफिकेशन विदाउट इंक्वायरी एओ ने ऑर्डर पास कर दिया है, विदाउट वेरिफिकेशन एंड इंक्वायरी एओ ने कोई क्लेम दे दिया है, कोई क्लेम वहां पे दे दिया है, कोई लॉ को प्रॉपर लॉ को फॉलो नहीं किया, कोई केस लॉ को प्रॉपर फॉलो नहीं किया जो उसको करना चाहिए था, जो एक्ट रूल लॉ है उनको फॉलो नहीं किया, केस लॉ को हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उसने फॉलो नहीं किया, जो सीबीडीटी के नोटिफिकेशन सर्कुलर है उनको फॉलो नहीं किया, चार ही तो केस होते हैं, तब आपका ऑर्डर एरोनियस होगा एंड प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू होगा। बॉस नॉन मेंशनिंग ऑफ इंक्वायरीज इन असेसमेंट ऑर्डर आपका ऑर्डर एरोनियस नहीं करेगा। तो सीआईटी ने जो इन्वोक सेक्शन 263 किया है, सेक्शन 263 इन्वोक किया किस बेसिस पे, नॉन मेंशनिंग ऑफ इंक्वायरी इन असेसमेंट ऑर्डर, वो आपका वहां पे रिवीजन नहीं हो सकता। सो इन्वोकिंग 263 विल बी Not valid, invalid हो जाएगा। Next case law है New Mangalore Port Trust, case का नाम क्या, case का नाम आपको याद हो गया, कृष्णा कैप बॉक्स, क्योंकि उन्होंने अपने भाई पेपर बुक के अंदर सारी की सारी चीजें रखी हुई थी, सिर्फ उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो कृष्णा है, ये हमारे ये एओ है, इनके कैप के अंदर बॉक्सेस बने हुए जिसके अंदर पेपर बुक रिकॉर्ड सारे के सारे है, वो उन्होंने संभाल के रखा, सिर्फ इंक्वायरीज उन्होंने मेंशन नहीं किया था, तो वो रीजन नहीं हो सकता आपका 263 इन्वोक करने का, तो इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, अभी मैं गया था मैंगलोर, उसके पास में न्यू मैंगलोर बना हुआ है, जस्ट मैंगलोर से पास में न्यू मैंगलोर बना हुआ कि वहां पे पोर्ट है, ठीक है, और उसी पोर्ट पे एक ट्रस्ट भी बनाया हुआ है, ठीक है, केस याद रखने का है अपने को, ठीक है। न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट में मैं गया था, मैंगलोर के पास में, ठीक है, दूर भी होगा तो चलेगा, ठीक है। न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट वहां पे आपका बना हुआ है, ओके। तो अभी इसके केस में क्या हुआ, असेसी का 143(3) में असेसमेंट कंप्लीट हुआ, छोटा सा केस है, ठीक है, 143(3) में असेसमेंट कंप्लीट हुआ, वहां पे सीआईटी ने 264 में रिविजन किया, 264 में
रिवीजन किया किसी मैटर का, 264 में रिवीजन कर दिया। अभी बाद में 263 में उसने 263 इनवोक कर दिया। बॉस डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर आपको पता होगा, दो तरह का, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर एंड डॉक्ट्राइन ऑफ एब्सोल्यूट मर्जर। डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर यहां पे अप्लाई हो जाएगा, जो मैटर 264 में वहां पे लिया था उसको वहां पे उन्होंने क्या कर दिया था, तो ये ऑर्डर को अभी ये ऑर्डर को रिप्लेस कर दिया 264 ने। सो 263 में अभी रिवीजन नहीं हो सकता। न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर विल अप्लाई एंड नो रिवीजन पॉसिबल अंडर 263। ओके, नेक्स्ट केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेघालय स्टील्स लिमिटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ठीक है। अभी मेघालय स्टील लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम, ठीक है। मेघालय स्टील्स लिमिटेड के केस में क्या हुआ, हाईकोर्ट ने अपना ऑर्डर पास किया, जो दो क्वेश्चन ऑफ लॉ थे उनको फॉर्मुलेट करते हुए अपना ऑर्डर पास किया, बराबर है, ठीक है। अभी असेसी ने अप्रोच किया, जो डिविजनल बेंच ऑफ हाईकोर्ट, जो आपका हाईकोर्ट का डिविजनल बेंच होता है, ठीक है, उसको अप्रोच किया कि सर मेरे को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया था, इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया था एंड विदाउट गिविंग इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए हुए यहां पर वो ऑर्डर पास कर दिया, इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट नहीं दिया था और ऑर्डर पास कर दिया गया। हाईकोर्ट ने बोला ओके बॉस, अगर आपको इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट नहीं दिया था तो आप क्या चाहते हो, बोले मैं चाहता हूं कि जो ऑर्डर पास किया उसको रिव्यू करना, आप अपने ऑर्डर को क्या करो, रिव्यू करो। हाईकोर्ट ने बोला ओके बॉस, आपको इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट नहीं दिया था, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं हुआ था, हम अपने ऑर्डर को रिव्यू करते हैं। एओ बोलता है कि आपको ये पावर नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट में पावर नहीं है। बोला इनकम टैक्स एक्ट में पावर नहीं हुआ तो क्या हुआ, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है वो तो हमको पावर देता है, एंड ये जो रिव्यू है ये मेरा इनहेरेंट पावर है। हाईकोर्ट ने बोला जो रिव्यू करने का, मेरा ऑर्डर, खुद का ऑर्डर रिव्यू करने का मेरा इनहेरेंट पावर है। इफ असेसी को आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं हुआ था, इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट नहीं दिया था, तो मैं अपने ऑर्डर को वहां पर रिव्यू कर सकता हूं। ओके, ऐसे करके उसने अपना ऑर्डर रिव्यू कर दिया, मैटर गया एओ का मानने वाला था, मैटर गया सुप्रीम कोर्ट ने बोला किस एओ के ऊपर एक स्टील का रॉड लेकर के मारो, मेघालय जाओ। एओ बोले, एओ भी मेघालय का है, ये भी का है, मेघालय का है, ठीक है। तो मेघालय पहले इसको पहले मेघालय लेके जाओ और वहां पे बहुत सारी स्टील फैक्ट्रीज है, ठीक है, वो स्टील फैक्ट्री से इसको तब तक स्टील के रॉड लेकर के तब तक मारते जाओ तब तक ये एओ लिमिटेड नहीं हो जाता। जब तक ये एओ लिमिटेड नहीं हो जाता तब तक इसको मेघालय ले जाके स्टील की रॉड से इसको मारते रहो। क्यों? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाईकोर्ट हैज इनहेरेंट पावर टू रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर। इनहेरेंट पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ये वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, हाईकोर्ट हैज इनहेरेंट पावर टू रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में ये उसको पावर दे रखा है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ने उसको ये पावर दे रखा है। इफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज नॉट फॉलोड, अगर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया है तो ऑर्डर पास करते टाइम तो वहां पे आपका हाईकोर्ट अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। नेक्स्ट टीडीएस के केस लॉ पे आ जाओ। अच्छा, मेघालय स्टील्स लिमिटेड केस, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क दिस। ओके, नेक्स्ट है यूको बैंक, टीडीएस के केस में आ जाओ। यूको बैंक के केस में क्या हुआ था, एक असेसी था हेमा मालिनी जी, भगवान उनको लंबी उम्र दे, लेकिन अपने वो केस लॉ याद करने का है। ओके, हेमा मालिनी जी आपका एक असेसी थी, हेमा जी की दो बेटियां है, ठीक है, एक ईशा और आहाना, ठीक है। अभी हेमा जी क्या होगी कि भगवान देखो एक दिन तो सबको जाना है तो अपने को अभी याद करना है, ठीक है। हेमा जी भगवान को प्यारी हो जाती है किसी दिन, और हेमा जी के पास में 100 करोड़ रुपए पड़े, हेमा जी के पास में 100 करोड़ रुपीज पड़ा है। हेमा जी वहां पे भगवान को प्यारी हो गई, अभी हेमा जी के पीछे ईशा और आहना दोनों झगड़ने लगी, वो बोलती है 100 करोड़ मेरा, वो बोलती है 100 करोड़ मेरा।
बॉस दोनों मैटर कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने क्या बोला, ना तेरा ना उसका, अभी एक काम करते हैं, पैसा गवर्नमेंट के पास में रहने दो। ये पैसे की कस्टडी 100 करोड़ की जो कस्टडी थी वो किसको दे दी, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाईकोर्ट, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाईकोर्ट को दे दिया उस पैसे की कस्टडी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाईकोर्ट ने क्या कर दिया, उसको FD करवा दिया। उसको कहाँ पे FD करवाया, यूको बैंक के अंदर FD करवाया। यूको बैंक, हिमाची बोलती है यूके, तो यूके से मतलब वो बोलती थी जब भी मुझे कुछ हो तो यूको बैंक जाने का, उनका अकाउंट यूको बैंक में ही था, यूके, तो यूको बैंक में जाने का जब कभी भी कुछ भी हो, बराबर है। तो एफडी भी यूको बैंक में, उनकी इच्छा के अनुसार एफडी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट ने वहां पे यूको बैंक यूक ओके उसके अंदर आपका वहां पे एफडी करवा दिया। बट वो एफडी करवाया रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट के नाम से, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट के नाम से एफडी करवाया, ना ईशान आहाना, क्योंकि अभी तक वो डिस्प्यूटेड मैटर है, ठीक है, वो किसको पैसा जाएगा क्या पता चलेगा। तो वो जो एफडी करवाया अभी इंटरेस्ट भी तो देगा, तो इंटरेस्ट देगा एफडी के ऊपर, इंटरेस्ट देगा और उसके ऊपर TDS भी कटेगा। तो यहां पे 194A में बोले कि TDS काटेंगे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट का। बॉस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट इज नॉट एक्चुअल रिसिपिएंट ऑफ इंटरेस्ट, he is not actual recipient of interest, he is just a custodian। to boss 194A mein TDS nahi kata jayega, jab matter decide ho jayega tab aap tax le lena isha hai aana, waise registrar general of unnecessary kyun isko TDS ke provisions mein fasane ka, unnecessary kyun isko bichare ko unnecessary TDS ke provisions mein fasane ka। to jo registrar general of high court hoga uska TDS section 194A ke andar nahi direct hoga, UCO bank, UK to UCO bank, okay। नेक्स्ट आपका केस ले इंडस टावर्स लिमिटेड, ठीक है, इंडिया में आजकल बहुत सारे टावर्स लग रहे हैं इंडिया में, बिकॉज 4G 3G, ठीक है, सोनिया जी, राहुल जी, बहुत सारे जी है, लेकिन अपने स्पेक्ट्रम जो 4G 3G की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर बहुत सारे टावर्स लगते हैं। तो मैंने भी क्या कर दिया, मैंने भी इंडिया के नाम से इंडस, ठीक है, मैंने बोला इंडस टावर्स, मैंने कहा लगाएंगे, ठीक है, इंडस टावर्स लगाएंगे। तो असेसी क्या करता था, असेसी क्या करता था, अपने घर के ऊपर वगैरह आपने देखे होंगे बहुत सारे जो टेलीफोन वगैरह के जो टावर्स वगैरह होते हैं वो टावर्स लगाता था, और वो एयरटेल वगैरह उन सबको रेंट पे देता था, एयरटेल, ठीक है, बहुत सारी कंपनी है, एयरटेल आपका, ठीक है, जियो भी आ गया अभी तो, जियो है, इन सबको रेंट पे देता था, इन सबको वो टावर्स रेंट पे देता था, बराबर है। असेसी क्या करता था, टावर्स लगाता था, उनको रेंट पे देता था, किसको, एयरटेल जियो वगैरह उनको सबको रेंट पे देता। अभी रेंट इनकम आया तो असेसी बोलता है कि 194C में TDS दे दो। अभी आपको पता होगा लोअर डिडक्शन ऑफ TDS, ठीक है, लोअर डिडक्शन अप्लाई करने के लिए गया कि बॉस मेरा लोअर डिडक्शन ऑफ TDS होना चाहिए 194C के हिसाब से। वहां पे AO नया डपली बजाता है कि भाई तेरा यहाँ पे ये TDS 194C में नहीं कटेगा, ये तेरा 194I में कटेगा, 194I में कटेगा, लेकिन वहां पे रेट आपका अलग हो जाएगा, बराबर है। लेकिन यहाँ पे हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि बॉस ये जो TDS होगा ये प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे दिया है, किस पे दिया है, प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे दिया है। तो प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे दिया है तो 194I में 2% के हिसाब से, लोअर TDS नहीं, 2% के हिसाब से वहां पे TDS डिडक्ट होगा रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो हाईकोर्ट ने बोला इंडस, मैंने असेसी ने इंडस टावर्स लगाए, तो वो जो टावर्स लगाया तो मैंने रेंट पे दिया, इंडस टावर्स लिमिटेड दिल्ली में, ठीक है, वो रेंट पे दिया एयरटेल जियो वगैरह को, वो रेंट आएगा उसके ऊपर TDS डिडक्ट करेगा एयरटेल जियो वगैरह 194A के हिसाब से एट द रेट 2%, ओके। सो ये आपके केसेस हो गए, TDS का केस हो गया, कॉपी कर लीजिए।
नेक्स्ट केस है आपका TDS में से मणिपाल हेल्थ सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। मणिपाल हॉस्पिटल्स आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस हॉस्पिटल चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है मणिपाल हेल्थ सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, जो असेसी था बेसिकली हॉस्पिटल है आपका मणिपाल हेल्थ सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, असेसी आपका हॉस्पिटल है। वो क्या करता था, उसने कुछ डॉक्टर्स को हायर कर रखा था और डॉक्टर्स को कंसल्टेंसी चार्जेस पे करता था, पेमेंट करता था कंसल्टेंसी चार्जेस का, और वो कंसल्टेंसी चार्जेस पे करता था नंबर ऑफ पेशेंट्स के हिसाब से। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल 10 पेशेंट हुआ तो आपको 1 लाख रुपए कंसल्टेंसी चार्जेस पे करेंगे, 15 होंगे तो आपको 1.5 लाख करेंगे, अगर 20 हुए तो 2 लाख करेंगे, बराबर है, नंबर ऑफ पेशेंट्स के हिसाब से वहां पे आपका पेमेंट करता था, एज वेल एज जो टाइमिंग था डॉक्टर्स का वो भी फिक्स था, ठीक है ओके। तो एक तो जो पेमेंट करता था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स और दूसरा टाइमिंग उसका फिक्स था डॉक्टर्स का, बराबर है, ठीक है। तो हॉस्पिटल जो मणिपाल हेल्थ सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड डॉक्टर्स को पे करता था, एक तो उसका पेशेंट्स के हिसाब से नंबर ऑफ पेशेंट्स के हिसाब से पेमेंट था, दूसरा वहां पे टाइमिंग फिक्स था। एओ बोलता है कि ये जो कंसल्टेंसी चार्जेस है पेमेंट डॉक्टर्स को हो रहा है TDS 192 में कटना चाहिए, मतलब ये डॉक्टर्स लोग एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ठीक है, ये दोनों अलग अलग मैटर्स है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि बॉस ये आपका सैलरी माना जाएगा, कोर्ट ने बोला नहीं बॉस दिस इज एन प्रोफेशनल फी, यहाँ पे इनका टाइमिंग फिक्स है, प्लस वो उनको पेमेंट कैसे हो रहा है नंबर ऑफ पेशेंट, मतलब वहां पे 2 पेशेंट आए तो 2 का ही पेमेंट होगा, 5 आएंगे तो 5 का होगा, 100 आएंगे तो 100 का होगा, 200 आएंगे तो 200 का होगा। तो इसके बेसिस पे कोर्ट ने बोला कि TDS अंडर सेक्शन 194J डिडक्ट होगा, ना कि आपका TDS अंडर सेक्शन 192 मणिपाल हेल्थ सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है, इंपॉर्टेंट केस लॉ, कोटैक सिक्योरिटीज लिमिटेड। आपको आइडिया होगा बहुत सारी ऐसी जाइ जो आपका शेयर मार्केट में, मैं तो डील नहीं करता हूं लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा सुना है, मतलब तो ये जो मेंबर्स लोग होते हैं, मोतीलाल ओसू हो गया, आनंद राठी हो गया, शेर खान हो गया, सुरेश राठी, कोटैक सिक्योरिटीज, ऐसे बहुत सारे आपके शेयर ब्रोकर्स होते हैं, उनको BSE से कुछ सर्विसेज मिलती है, और वो सर्विसेज कोई स्पेशल सर्विसेज नहीं है, कोई कस्टमाइज सर्विस नहीं है कि मोतीलाल ओसवाल के लिए अलग होगा, आपका आनंद राठी के लिए अलग होगा शेयर, ये जितने भी इनके ट्रांजेक्शन्स होते हैं शेयर मार्केट में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए वो जो सर्विसेज होती है वो सबके लिए कॉमन सर्विसेज होती है, कोई स्पेशलाइज सर्विसेज नहीं है, और इनके लिए लेना कंपलसरी भी होता है, जरूरी भी होता है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर वो कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो इन दैट केस वो सर्विसेज जो BSE स्टॉक एक्सचेंज दे रहा है अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे रहा है, उसके लिए ये लोग पेमेंट करते हैं, कुछ एक अमाउंट का पेमेंट करते हैं। यो बोलता है कि बॉस दैट इज अ टेक्निकल सर्विस, यो क्या बोलता है, ये आपका टेक्निकल सर्विस है, और टेक्निकल सर्विस है तो 194J में TDS डिडक्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बॉस पहली बात तो कोई स्पेशल सर्विस नहीं है, कोई कस्टमाइज सर्विस नहीं है, दूसरा भाई इनके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, इनको इनसे BSE से स्टॉक एक्सचेंज से सर्विस लेना ही पड़ेगा, ये सर्विस किसी और से नहीं ले सकते, इससे ही सर्विस लेना पड़ेगा, मैंडेटरी है एक तरह से, ठीक है, मरता क्या ना करता वो वाली सिचुएशन है, सबको करना ही पड़ेगा। सो इन दैट केस पहला जो पेमेंट है वो टेक्निकल सर्विसेज के लिए नहीं है, टेक्निकल सर्विस मतलब कोई स्पेशलाइज सर्विस कस्टमाइज सर्विस किसी को प्रोवाइड की जाती है, बराबर है। दूसरा जो BSE ऐसी सर्विसेज अपने सारे मेंबर्स को, ऐसा नहीं कि एक ही आदमी को ऐसे कोई स्पेसिफिक मेंबर को देता है, सारे मेंबर्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे TDS अंडर सेक्शन 194J वहाँ पे नहीं आपका अप्लाई होगा, बिकॉज दैट इज नॉट फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। कोटैक सिक्योरिटीज बहुत फेमस है कोटैक सिक्योरिटीज लिमिटेड, ठीक है ओके। एओ को खटाक पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने खटाक दिया कोटैक सिक्योरिटीज लिमिटेड, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। इसके बाद में VS डैम्पो कंपनी लिमिटेड, टैम्पो, ठीक है, VS टैम्पो, ठीक है, बहुत सारे आपने नाम सुना होगा, ठीक है ओके। तो आपका VS डैम्पो से आप ऐसे याद रख सकते हो, VS डैम्पो कंपनी लिमिटेड, ठीक है। 172 एक प्रोविजन होता है, सेक्शन 172 आपका अलग से स्पेसिफिक प्रोविजन है जो इनकम टैक्स एक्ट 172 का स्टार्टिंग है, सर, नथिंग कंटेन्ड इन इनकम टैक्स एक्ट उस सेक्शन का शुरुआत यह से होता, नथिंग कंटेन्ड इन इनकम टैक्स एक्ट, ये स्पेसिफिक प्रोविजन है, बराबर है। तो VS डैम्पो केस में जो डेमरेज चार्जेस होते हैं, जो डेमरेज चार्जेस होता है, TDS अप्लाई नहीं होगा, डेमरेज चार्जेस थे तो TDS अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। फॉरेन शिपिंग कंपनी वगैरह होती है, फॉरेन शिपिंग कंपनी केस में आपका 7.5% वहां पे फिक्स वहां पे इनकम आपका लेते हैं, बराबर है। तो उसके केस में डेमरेज चार्जेस TDS अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट के अप्लाई नहीं होता है। तो जब इनकम टैक्स
अप्लाई नहीं होता है तो इन दैट केस टीडीएस के प्रोविजन भी अप्लाई नहीं होंगे, तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस है आपका प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों रजनीकांत, जो रजनीकांत है, ठीक है, रजनीकांत तो आपको पता है कैसे कैसे कारनामे करते हैं, उनकी एक गर्लफ्रेंड है उसका नाम है प्रिया, ठीक है, प्रिया मणि, आपने सुना होगा, साउथ की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है, रजनीकांत की गर्लफ्रेंड है प्रिया, ठीक है। प्रिया जो गर्लफ्रेंड है रजनीकांत की, वो प्रिया की शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज है, प्रिया की शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज है। वो क्या करती है, गुजरात में आपने सुना होगा भावनगर के पास में शिप ब्रेक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो प्रिया की शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ पे रजनीकांत अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, वहाँ पे प्रिया जिससे प्रिया से मिलने के लिए जाते हैं वहाँ पे, और दोनों ही वहाँ पे शिप के ऊपर, जो प्रिया का शिप है पूरा का पूरा, प्रिया की किसकी इंडस्ट्रीज है, प्रिया की आपकी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज है, तो रजनीकांत रजनीकांत और प्रिया दोनों ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए, अज्यूम करो ऐसे कि ब्लू कलर के कपड़े पहन के ऐसे टाइटैनिक के पोज में वहाँ पे ऐसे खड़े हुए हैं, दोनों दोनों टाइटैनिक के पोज में रजनीकांत और प्रिया ऐसे ब्लू कलर के कपड़े पहन के शिप के ऊपर ऐसे खड़े हुए हैं, ओके, बराबर है। जितनी देर में जैसे ऐसे खड़े हुए प्रिया ने आंखें बंद करके पीछे से रजनीकांत एक हाथ मारते हैं और शिप ब्रेक हो जाता है, शिप ब्रेक हो जाता है, और इस बार लड़का नहीं डूबा है, इस बार प्रिया डूब गई, इस बार लड़की डूबी है, ठीक है, इस बार लड़की डूबी है, प्रिया डूब जाती है। फिर रजनीकांत क्या करते हैं, रजनीकांत क्या करते हैं कि शिप को ब्रेक कर देते हैं, उसमें से क्या करते हैं, स्क्रैप होता है, स्क्रैप उसको अलग ले लेते हैं, स्क्रैप को अलग ले लेते हैं, और कुछ यूजेबल आइटम्स होती है, जो यूजेबल फिनिश गुड्स होते हैं उनको, एक टीवी पड़ा था उधर, कुछ लकड़ी के दरवाजे वगैरह थे वहाँ पे, प्लाईवुड के दरवाजे वगैरह के थे, कुछ एसी थे वहाँ पे, तो कुछ जो फिनिश प्रोडक्ट्स है जो आपका शिप में से निकला वो यूजेबल है, यूज हो सकता है, बराबर, उसको अलग रख देते हैं, और दूसरा फटाफट रजनीकांत से जो रोबोट होता है फटाफट एकदम पूरा अलग हो जाता है, स्क्रैप अलग हो जाता है, आपका फिनिश प्रोडक्ट अलग हो जाता है, बराबर। प्रिया डूब चुकी है ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए, तो वहां पे एओ आता है, बोलता है कि बॉस जो स्क्रैप होता है उसके ऊपर टीसीएस आपका, बराबर, टीसीएस प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा स्क्रैप के ऊपर, लेकिन स्क्रैप वो ये बोलता है कि बहुत जो फिनिश प्रोडक्ट आपने अलग किया है यूजेबल है उसके ऊपर भी स्क्रैप प्रोविजन लग जाएंगे। रजनीकांत बोलते हैं, जोर से थप्पड़ मारते हैं, बोलते बॉस फिनिश प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, यूजेबल, जिसको आप यूज कर सको, स्क्रैप का मतलब क्या होता है, किसी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ वेस्ट निकला हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वगैरह में कोई वेस्ट निकला हो वो स्क्रैप होता है, ये वेस्ट नहीं है, ये यूजेबल है, तो यूजेबल जो फिनिश प्रोडक्ट है उसके ऊपर टीसीएस नहीं अप्लाई होगा, उसके ऊपर टीसीएस प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। केस का नाम क्या है, प्रिया रजनीकांत की गर्लफ्रेंड थी, कौन से कपड़े पहने थे, ब्लू, ठीक है, और क्या इंडस्ट्रीज शिप ब्रेकिंग, प्रिया ब्लूज इंडस्ट्रीज, प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ओके, स्क्रैप प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे फिनिश गुड्स के ऊपर जो यूजेबल है। लास्ट केस है आपका, लास्ट केस है टीडीएस से भगत सिंह देश के कंस्ट्रक्शन में लगे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है, भगत सिंह देश के कंस्ट्रक्शन में लगे हुए थे और देश के कंस्ट्रक्शन में इतने खो गए इतने बिजी हो गए कि वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट किया था अपने नाम से, भगत कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, वो इतने खो गए देश के कंस्ट्रक्शन में भगत सिंह जी, ठीक है, वो इतने खो गए कि एडवांस टैक्स का पेमेंट करना ही भूल गए, एडवांस टैक्स का पेमेंट करना भूल गए। अभी एओ ने असेसमेंट ऑर्डर पास किया और उस असेसमेंट ऑर्डर में एडवांस टैक्स के ऊपर जो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B लेवी नहीं किया, ऐसा वहां पे असेसमेंट ऑर्डर में नहीं लिखा, लेकिन ITNS 150 आता है, कंप्यूटेशन फॉर्म साथ में आता है, बराबर है, उसके साथ में लगा हुआ आता है, उसके अंदर उन्होंने कैलकुलेशन कंप्यूटेशन किया और वहां पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B वहां पे लेवी कर दिया। भगत सिंह जी सुप्रीम कोर्ट गए, भगत सिंह जी मेरे को बोला कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूं, मैंने कहा सदा जी क्या हो गया, भगत सिंह जी बोलते मेरे साथ में गलत किया, एओ ने वहां पे असेसमेंट ऑर्डर के अंदर 234B लेवी नहीं किया, बराबर है, लेकिन फिर भी यहां पे इंटरेस्ट लगा दिया 234B में। मैंने बोला भगत सिंह जी जो आपका इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B है या 234C है ये ऑटोमेटिक इंटरेस्ट है, अगर आपने एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं किया या इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट किया है तो 234BC ऑटोमेटिकली वहां पे आपका लग जाएगा, एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं किया है या 90% से कम एडवांस टैक्स का पेमेंट किया है तो 234B वहां पे ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा। सो भले असेसमेंट ऑर्डर में मेंशन किया हो नहीं किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड ITNS 150 जो कंप्यूटेशन फॉर्म है वो आपका पार्ट होता है असेसमेंट आपका ऑर्डर का, बराबर है। सो 234B इज ऑटोमेटिक इंटरेस्ट, असेसमेंट ऑर्डर में अगर उसको नहीं भी मेंशन किया है तो भी वो इंटरेस्ट लेवी हो जाएगा। केस का नाम क्या है, भगत कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो फ्रेंड्स। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉज थे जो हमने डिस्कस किए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ केस लॉज थे वो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा
कुछ और आरटीपी के आपके कुछ केस लॉज और है, वो मैं आपको बहुत ही जल्द सेकंड वीडियो में मैं आपको भेज दूंगा, सेकंड वीडियो में आपको मिल जाएंगे ये सारे के सारे केसेस। बॉस आपका जो इंस्टीट्यूट का जो केस स्टडी आता है उसके अंदर दे रखा है, तो अब जब भी आप ये वीडियो देखोगे जो केस स्टडी का बुक है वो अपने साथ में रखने का है, केस स्टडी का बुक अपने साथ में रखने का है फ्रेंड्स। ओके ठीक है, इसके अलावा कुछ और केस लॉज, काफ़ी सारे केस लॉज वो आपका ओवरराइड हो चुके हैं। ओके वो आप लोगों को एप्लीकेबल नहीं है, वो लॉ में प्रोविजंस में आ चुके हैं ऑटोमेटिकली। आपने अपने जब स्टडी किया होगा, स्टडी मटेरियल पढ़ा होगा, तो वो काफ़ी सारे केस लॉज कवर भी हुए होंगे। ओके सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। एक दो बार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे या अपने कहानी जो मैंने कहानी सुनाई है, ये कहानियाँ बेसिकली आप ऐसा मत मान लीजिएगा कि ये पूरा का पूरा पार्ट ऑफ द केस लॉज है, ये मैंने आपको फैक्ट्स ऑफ द केसेस एज वेल एज केस का नाम याद रखवाने के लिए मैंने ये कहानियाँ सुनाई है। ओके सो आप अगर एक दो बार अगर याद करोगे तो आपको केस के फैक्ट्स याद हो जाएंगे, जो कंक्लूजन क्या दिया था वो भी याद हो जाएगा और केस का नाम भी याद हो जाएगा। कभी भी आपको केस लॉ का आंसर आप लिखते हो तो उसका एक पैटर्न होता है, वो मैं आपको जब लास्ट मेरा केस लॉ का लेक्चर होगा उसके अंदर मैं बताऊँ किस पैटर्न में आपको आंसर करने का है, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आप इसको कॉपी कर लीजिए।